हेलो फ्रेंड्स, चलिए सेटल हो जाएंगे। थोड़ा स्पेस दें उनको। हाँ जी, आज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। हाँ जी, आपने पूछा क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी सब्जेक्ट है? नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 100%। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल हैं एंड आपके पेपर में 60 मार्क्स का, आपका 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें से 5 प्रैक्टिकल है और 6 ऑप्शन है थ्योरी। क्वेश्चन 1 आपका प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का एंड क्वेश्चन 2 to 6 में से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर क्वेश्चन 2 to 5 आप अटेम्प्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे प्रैक्टिकल होंगे, तो आपका पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो जाएगा। तो एक अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहें तो वो आपकी ऑप्शन है, बट यहां जो प्रैक्टिकल है ये थोड़ा सा अलग है। अब तक देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो आपका पहले हमें थॉट प्रोसेस थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा। अब तक जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है, 11th 12th या जो भी आपने बीकॉम में या फाउंडेशन में किया है, वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, बट थोड़ा सा एंगल चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा सा सोचने का नजरिया अलग होगा। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अभी तक आपको यह पता था कि अगर एक शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो डिविडेंड मांगेगा, बट मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है वो डिविडेंड मांगेगा। तो उसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, तो जो लॉजिक आप लगा रहे हो अभी वो लेमैन लॉजिक है, हमें थोड़ा सा फाइनेंस एंगल चाहिए। तो पॉइंट इज दिस कि हमें जो है पूरा सब्जेक्ट समझना है। देखिए आगे जो चैप्टर्स आएंगे सारा का सारा प्रैक्टिकल है और सारे चैप्टर्स का आपस में लिंकअप है, फॉर्मुलेज हैं बहुत सारे। अब वो फॉर्मुले जो है या तो हम रटेंगे या उन फॉर्मुलेज का हमें लॉजिक पता हो। हमारी कोशिश रहेगी कि सारे फॉर्मुलेज का लॉजिक पता हो एंड जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है पहले हम वो चीजें कर लें, ताकि हम बाद में उन चीजों पर आए जो हमें समझनी है। तो समझने, उन चीजों को समझने के लिए भी आपका पहले फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ेगा। पॉइंट इज दिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो पटरियां भी हमें अभी बिछानी है, उसके ऊपर गाड़ी भी अभी चलानी है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ पटरियां बिछाई थी, आप देखेंगे जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था उनका आगे जाके बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। ये चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। चलिए हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में किया था। जो थ्योरी हम करेंगे ना, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी है, वो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड है मोस्टली। तो दो हम चीजें, थ्योरी जो चीज हम करेंगे वो इतनी बार रिपीट करेंगे कि जब थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर लिखना क्या है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पहला कंसेप्ट डिस्कस किया था बैलेंस शीट का। मैंने कहा था कि मैं ग्रीन पेन ले रहा हूं, तो ग्रीन पेन में ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स हैं 200 के, प्रॉफिट एंड लॉस है 100 का, डेट एंड लोन्स है 100 के एंड 50 का करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स 450 के हमारे लाइबिलिटी साइड का टोटल है, फिक्स्ड एसेट्स 250 है, करंट एसेट्स 150 है एंड कैश 50 का। नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट जब हमने देखी तो इक्विटी शेयर कैपिटल 300, रिजर्व एंड सरप्लस 200, डेट 150 एंड करंट लाइबिलिटीज 50 है, फिक्स्ड एसेट्स 450, 200 एंड
50 की एसेट साइड का टोटल है, टोटल 700 है। तो मैंने कहा था कि जब शेयर होल्डर के सामने सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट आई तो शेयर होल्डर ने कंपनी को ब्लेम किया कि आपने चोरी की है। उसका लॉजिक यह था कि इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट ईयर में 200 है और सेकेंड ईयर में 300 है, तो 100 का कैश आया। पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस 100 है, इस साल रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट लॉस 200 है, तो फिर 100 का कैश आया। डेट पिछले साल 100 का है, इस साल 150 का है, तो 50 का कैश आया, तो 250 का कैश बढ़ा। जब 250 का कैश बढ़ा तो यहां पर 50 प्लस 250 क्यों नहीं हुआ? यह शेयर होल्डर का लॉजिक है कि जब कैश बढ़ा तो एसेट साइड में कैश आना चाहिए था। कंपनी ने कहा कि हम चोर नहीं है, आप देखिए जो कैश आया था वो कैश हमने यूज किया है। वो हमने यूज कहां किया है? पहले फिक्स्ड एसेट्स फर्स्ट ईयर में 250 के थे और सेकंड ईयर में फिक्स्ड एसेट्स 450 के हैं, तो वो 200 फिक्स्ड एसेट्स में अप्लाई हुआ है। फर्स्ट ईयर में कैश करंट एसेट्स 150 का था, सेकंड ईयर में करंट एसेट्स 200 के हैं, तो रिमेनिंग 50 जो कैश आया था वो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट हुआ हुआ है। तो जो कैश आया वो सारा अप्लाई भी हुआ। ठीक है, इस कंसेप्ट से मैंने आपको यह समझाया कि एक तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड का मतलब क्या है। लायबिलिटी साइड मींस सोर्स ऑफ फंड और एसेट साइड मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड। लायबिलिटी साइड ये बताता है पैसा आता कहां से है, एसेट साइड ये बताता है कि पैसा जाता कहां है। अगर ये कंसेप्ट हमें पता हो, अगर बैलेंस शीट पढ़नी आती हो, तो हम बड़ी बड़ी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स को एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अगर थ्योरी आती है तो मैं जितनी चीजें लिखवाऊंगा आपको उन सारी चीजों का मतलब यही होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप देखो ना, लायबिलिटी साइड यह दिखा रही है कि पैसा आ कहां से रहा है और एसेट साइड यह बता रहा है कि पैसा जा कहां रहा है। अब यहां पर हमने इक्विटी से 100 लिया और डेट से 50 लिया, आई बात समझ? इसका मतलब हमने ये डिसीजन लिया कि इक्विटी 100 से बढ़ानी है और डेट 50 से बढ़ाना है, तो इसका मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि डेट कम रखना है। ये डिसीजन मेकिंग है कि पैसा लाना कहां से है, ठीक है, और दूसरी डिसीजन मेकिंग ये कि पैसा जाना कहां है, समझे? देखिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो हम जो थ्योरी लिखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जितनी लाइनें हम लिखेंगे हर लाइन का मतलब यही निकलेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पैसा आना कहां से है और पैसा जाना कहां है, आ रही बात समझ? सेकेंड पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंपनी का शेयर प्राइस अगर फॉल होता है तो कंपनी को डर क्यों लगता है। देखिए पहली बात तो अब ये डायनामिक समझें, लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस इंक्रीज अगर होगा, मतलब जो है कंपनी की परफॉर्मेंस से शेयर प्राइस डिटरमाइन होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, और अगर कंपनी लॉसेस इनकर कर रही होगी तो शेयर प्राइस गिरेगा। मोस्टली ऐसा होना चाहिए बट हर बार ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या है कि शेयर प्राइस डिपेंड करता है कि मार्केट में जितनी पब्लिक है उस पब्लिक का कंपनी के बारे में परसेप्शन क्या है, पब्लिक कंपनी के बारे में क्या सोचती है फ्यूचर में। आज अगर प्रॉफिट कमाया है तो यह एक प्रोजेक्शन है कि अगर आज कमा सकते हो तो बाद में भी कमा लोगे, आगे भी कमा लोगे, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाने की परसेप्शन है। क्योंकि अब देखिए ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा आगे चैप्टर्स के अंदर, इसलिए बना रहा हूं मैं ये पॉइंट आपका, क्योंकि फ्यूचर में आप कंपनी प्रॉफिट्स कमाने की एंटिसिपेशन है, पब्लिक ये सोच रही है कि आज अगर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं तो फ्यूचर में भी कमा सकते हैं, इसलिए पब्लिक इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती। आ रही बात समझ? अगर आज लॉसेस इनकर कर रहे हो, मान लेते हैं आप अगर आज लॉसेस इनकर किए तो क्या आगे भी लॉसेस इनकर करेंगे? या जैसे आप मान लेते हैं बायजूस की बात करें,
अब ये बायजूस एक नया कंसेप्ट है। बायजूस पता ना क्या है? हाँ जी हाँ, बायजूस एक लर्निंग ऐप है, नया कंसेप्ट है कि क्या नाम है, स्कूलिंग की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मिल जाती हैं। आई बात समझ? ये नया कंसेप्ट है। अब ये नया कंसेप्ट है, देखिए क्या इंडिया में एजुकेशन को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, स्पेशली सिटीज में या अर्बन एरियाज में। तो यहां पर स्कूल भी भेजा जाता है, ट्यूशंस में भी भेजा जाता है, और पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि टीचर्स पर्सनल इंटरेक्शन दे स्टूडेंट्स को। अभी तक जो है पेरेंट्स का परसेप्शन ये है कि पेरेंट्स क्या नाम है, टीचर्स पर्सनल इंटरेक्शन दे ताकि जो है बच्चे को चीजें क्लैरिटी से समझ आए। अब बायजूस का आइडिया ये है कि हम बच्चों को ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। अगर पेरेंट्स के दिमाग में ये बैठ गया कि बच्चों को घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है या क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजेंगे ट्यूशंस के लिए? बट अभी जो है ये माइंडसेट नहीं है लोगों का, तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइंडसेट बनेगा। जब माइंडसेट बनेगा तब जो है लोग क्लासेस बाय करना शुरू करेंगे, जो अभी शुरू कर दिए, क्योंकि जो है उनका काफी अच्छा रेवेन्यू है इस साल के अंदर, जो 18-19 के अंदर उनका 1430 करोड़ का रेवेन्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी सेल हो रही है ना, बट उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आइए बात समझ। अब अगर बायजूस जो है 2008 में आइडिया कंसीव हुआ था, 2011 में उन्होंने सीरियसली कंपनी बनाने की सोची, 2015 में उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई थी पूरी, और आज 2019 के अंदर उनका 1430 करोड़ का रेवेन्यू है, बट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत है। आई बस मैं डिस्कस करूंगा ये रेलिवेंट जगह पे पॉइंट्स। अब जब इतना बड़ा कंसेप्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी स्टार्टिंग के अंदर, बट रेवेन्यू ग्रेजुअली ग्रो करेगा। इनिशियल ईयर्स में रेवेन्यू जो ग्रो करेगा उसमें प्रॉफिट्स थोड़े से आएंगे, समझे, जिसमें कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी, बट पता ये है कि ये आइडिया फ्यूचर में बढ़ेगा और ये फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाएगा। तो ऑल्दो अभी कंपनी लॉसेस में है, बट ये पता है कि ये आइडिया ग्रो करने वाला है और ये फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो इस कंपनी का भी प्राइस बढ़ेगा। आई बात समझ? तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का भी प्राइस बढ़ता है एंड लॉस मेकिंग कंपनी का भी प्राइस बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड शेयर होल्डर की ये परसेप्शन हो कि ये कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएगी। ये बात समझ आती है? तो शेयर का आज का मार्केट प्राइस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। आ रही बात समझ? अब मैंने बताया कि अगर कंपनी का प्राइस गिरता है, गिरने के बड़े सारे रीजन है। अब मैं प्रॉफिट्स कमा रहा हूं, मान लेते हैं कि ये पोजीशन होने के बाद भी मार्केट प्राइस गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? देखिए क्या होता है कि मार्केट में इवेंट्स होते हैं, मान लेते हैं अमेरिका ने अफगानिस्तान पे बम फोड़ दिया, उसका इंपैक्ट हम पे पड़ेगा। आई बात समझ? मेरी कंपनी का अमेरिका से लिंक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट वगैरह रिसीव होती है। अब पब्लिक तो यह सोचेगी कि हमारी कंपनी अमेरिका से डील करती है, वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो हो सकता है अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पे बम फोड़ा तो हमारे प्रॉफिट्स पे असर पड़ेगा, जो हमने सेल कर रखी है उसकी पेमेंट्स रिसीव नहीं होगी, ये पब्लिक सोच रही है। तो पब्लिक ने सोचा हो सकता है कि हमारी कंपनी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो पब्लिक क्या करेगी, शेयर बेचना शुरू कर देगी। वो ये सोचते हैं कि इससे पहले कि दुनिया बेचे और प्राइस गिरना शुरू हो और फिर हम बेचें, पब्लिक सोचती है कि हम बेच दे पहले। अरे बात समझ? तो जिसकी वजह से प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। तो ऑल्दो मैं प्रॉफिट्स कमा रहा हूं, बट पब्लिक ने सोचा कि जो इवेंट हुआ है उसका इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट्स पे पड़ेगा, इसलिए उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए। तभी कंपनी जो है एक स्टेटमेंट देती है या कुछ ईजीएम एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग्स बुलाती है, जिसमें शेयर होल्डर्स को यह कन्विंस किया जाता है कि भैया हमारे प्रॉफिट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा। मान लेते हैं हमारी कंपनी के सीईओ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, आई बात समझ, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि आईसीआईसीआई बैंक की जो सीईओ थी चंदा कुचर, उन्होंने जो है 3250 करोड़ का लोन दिया था वीडियोकॉन को, और वीडियोकॉन का जो क्या नाम है मालिक था वेणुगोपाल धूत, वो जो है चंदा कोचर के हस्बैंड का फ्रेंड हुआ करता था, इनफैक्ट बिजनेस पार्टनर भी था। तो जो है उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे, उनका इम्पैक्ट जो है मार्केट प्राइस पे भी पड़ा। तो इस सिचुएशन के अंदर ये होता है कि उनको फटाफट कहा जाता है कि सीईओ की पोजीशन से हटें, ठीक है? नहीं तो पब्लिक परसेप्शन ये लेती है
कि इस कंपनी का सीईओ कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया। इसका मतलब क्या है? इस सीईओ की इमेज खराब होगी। आई बात समझ? इस सीईओ की जब इमेज खराब होगी तो ये सीईओ कंपनी के बारे में प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएगा, क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग तो इस सीईओ पर डिपेंड करती। और अगर यही अगर ठीक नहीं है तो कंपनी के ऑपरेशंस बाद में खराब होंगे। और देखिए क्या है कि इमेज बड़ी मैटर करती है। अगर एक कंपनी का सीईओ, उसकी इमेज अच्छी है तो उसके बगैर बोले ही काम हो जाते हैं अपने आप। आई बात समझ? इनका काम क्या होता है, जो हाई प्रोफाइल सर्कल्स होते हैं उनमें बैठ के कंपनी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करा ली जाए लिंक्स के थ्रू। बट अगर इमेज खराब हो जाएगी तो लोग इनके साथ बैठना नहीं चाहेंगे। आई बात समझ? जब लोग बैठना नहीं चाहेंगे तो कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये बात आपको ग्रेजुअली समझ आएगी। तो अगर मेरी कंपनी का सीईओ ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया, मेरे शेयर प्राइस नीचे गिर रहे हैं। बट कंपनी जो है, मैंने आपको बताया था कि शेयर प्राइस अगर फॉल होते हैं तो कंपनी की नींद क्यों हराम हो जाती? हमारे ऑपरेशंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अपने सप्लायर से माल ले रहा हूं, मैं प्रोडक्शन ठीक से कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, मेरा कस्टमर खुश है, मेरा सप्लायर खुश है, मेरे एम्प्लॉय खुश है, और मैं क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मेरे शेयर होल्डर खुश है। समझा? बट खुश होना जरूरी नहीं है। उनको, शेयर होल्डर्स को खुश, वो खुश होते रहें ये जरूरी। और वो खुश तब होते रहेंगे जब उनको ये पता रहेगा कि ये कंपनी आज प्रॉफिट कमा रही है तो फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमाएगी। अगर प्राइस गिरना शुरू होगा तो शेयर होल्डर्स को ये लगेगा कि अगर रेगुलरली शेयर प्राइस गिर रहा है तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसी चीजें पता हो जिनका इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट्स पे होगा और शेयर होल्डर को वो चीजें नहीं पता। आई बात समझ? कुछ शेयर होल्डर को ऐसे लग सकता है कि शायद उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो बाकी लोगों के पास है। समझ रहा है? इसलिए प्राइस गिर रहा है नीचे, तो वो क्या करेंगे, शेयर बेचना शुरू कर देंगे, और तो डबल इंपैक्ट से प्राइस और गिरना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ? तो जैसे ही प्राइस रेगुलरली गिरता है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है कि भैया प्राइस किसी और वजह से गिर रहा है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है इन चीजों का। आई बात समझ? प्राइस अगर गिरेगा तो सबसे पहले जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स, वो अपना पैसा खींचेंगे, और कंपनी से अगर पैसा बाहर निकलेगा तो ऑपरेशंस पे भी डिस्टरबेंस होगी। लेंडर्स ने पैसा खींचा तो हमारा जो है सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट नहीं होगी, तो मेरे को, हमें माल नहीं मिलेगा। अगर माल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कस्टमर्स को टाइमली गुड्स नहीं मिलेंगे, तो यहां पर पूरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। इसका इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। आई बात समझ? तो प्रॉफिटेबिलिटी से मार्केट प्राइस भी डिटरमाइन होता है। कई बार मार्केट प्राइस की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाती है। आई बात समझ? ओके, तीसरा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये है मेन पॉइंट, ये आगे जाके भी काफी चैप्टर्स में आएगा, कि शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या शेयर होल्डर डिविडेंड डिमांड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। डिविडेंड डिमांड करने से क्या मार्केट प्राइस पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब डिविडेंड मिलेगा तो कम मार्केट में ये इमेज जाएगी कि ये कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड दे रही है। जब ये रेगुलर डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये रेगुलर प्रॉफिट्स कमा रही है। इसका मतलब अगर आज कमा रही है तो आगे भी कमाएगी, इसलिए हमें इस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहिए। ये पब्लिक की परसेप्शन है। आई बात समझ? तो पब्लिक ने फिर से परसेप्शन ये की कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स कंपनी अर्न करेगी और फ्यूचर में डिविडेंड्स भी देगी, तो इसलिए हमें इस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहिए। शेयर परचेज करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। बट देखिए, शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर ये भी चाहता है, शेयर होल्डर कहता है कि अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो शेयर होल्डर के हाथ में पैसा आ जाएगा। उस पैसे का शेयर होल्डर क्या करेगा? उस पैसे का शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट कहां करेगा? इन्वेस्टर कहता है, मुझे तो नॉलेज है नहीं, मैं तो एफडी कराऊंगा, बट एफडी में 10% मिलता है। शेयर होल्डर कहता है, अगर कंपनी के मैनेजमेंट के पास इतना दिमाग है कि वो मार्केट में ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देख सकती है जहां पर 10% से ज्यादा रिटर्न कमाया जाता है, तो शेयर होल्डर कहता है पैसा एफडी में रखने के बजाय कंपनी के पास ही पड़ा रहे, ताकि कंपनी का जो सीईओ है या जो कंपनी का हेड है उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सके जहां पर 10% से ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो उस पैसे से और प्रॉफिट्स कमाए, प्रॉफिट्स कमाते रहे।
आई बात समझ, जितने प्रॉफिट्स बढ़ेंगे उतना जो है कंपनी ग्रो करेगी, उतने नए प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करेगी, जितने नए प्रोजेक्ट्स बनते रहेंगे उतना मार्केट में प्रोजेक्शन जाएगी कि दिस कंपनी का जो सीईओ है, जो मैनेजमेंट है वो अच्छी मैनेजमेंट है, हमें इस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहिए। तो शेयर होल्डर क्या कहता है कि अगर मैनेजमेंट के पास ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर 10% से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, तो शेयर होल्डर कहता है मैनेजमेंट को कि डिविडेंड मत दो, अपने पास ही रखो पैसा। समझे? अगर प्रोजेक्ट्स बढ़ते रहे, समझे, जैसे अंबानी है, मैंने एग्जांपल दिया था, अंबानी है, अंबानी ने पेट्रोलियम वगैरह में तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जियो, और उसने 2-3 साल के अंदर ही जियो को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया जिसकी वैल्यूएशन 60 to 65 बिलियन डॉलर की। अरे बात समझ, इसका मतलब क्या है, रिलायंस के शेयर होल्डर्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, रिलायंस के शेयर होल्डर्स उस जियो के भी मालिक हो गए, क्योंकि उनके पैसे से इसने क्या किया, जियो में इन्वेस्टमेंट की। तो सब उस शेयर को परचेज करना चाहेंगे, जब उस शेयर को परचेज करना चाहेंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो शेयर होल्डर कहता है हमें तो बेनिफिट मिल ही जाएगा, चाहे कंपनी जो है डायरेक्ट प्रॉफिट हमें हमारे हाथ में दे दे या इन्वेस्टमेंट कर दे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमें तो गेन मिल ही जाएगा। हम ये चीज और डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था सोर्स ऑफ फंड्स का। मैंने कहा था कि सोर्स ऑफ फंड, कंपनी पैसा इक्विटी से भी रेस कर सकती है, पैसा डेट से भी रेस कर सकती है। इक्विटी से रेस करने का फायदा क्या है कि उनको फिक्स्ड कोई पेमेंट नहीं देनी या उनको प्रिंसिपल वापस नहीं करना, बिल्कुल ठीक, उनको प्रिंसिपल भी वापस नहीं करना। बट शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर कहता है तो कंपनी के लिए तो बिल्कुल रिस्क फ्री हो गया पैसा ही, बट इक्विटी शेयर होल्डर कहता है कि मैं अगर पैसा बैंक में डाल दूं तो मैं 10% कमा सकता हूं, बट मैं वो पैसा आपको दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं पैसा इसलिए दे रहा हूं कि आप मुझे 10% से ज्यादा दें। आ रही बात समझ? और कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कहता है मैं आपको पैसा दे भी दूं तब भी मेरा रिस्क है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं हुए तो आप मुझे कुछ नहीं दोगे। इसका मतलब क्या, इक्विटी शेयर होल्डर का तो रिस्क हो गया। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क ज्यादा होता है, मार्केट में एक स्टैंडर्ड टर्म है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होगी, डिमांड होगी। अब इक्विटी शेयर होल्डर जब ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, जब ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा तो कंपनी को उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी होगी, क्योंकि अगर उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा, यार ये कंपनी तो कुछ नहीं देती, इसका शेयर बेचो। इसका मतलब जब सब बेचने शुरू करेंगे तो शेयर की जो है क्या नाम है, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड है नहीं, मार्केट प्राइस गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कंपनी को कि भैया तुम्हें कुछ पे करेंगे, पर उनका रिस्क ज्यादा है तो इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, तो इसलिए कंपनी को इक्विटी महंगी पड़ जाती। अब डेट के लिए क्या था कि डेट को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स प्रिंसिपल उनको मिल जाएगा, तो वो कहते हैं हमारा तो कोई रिस्क है नहीं क्योंकि हमारा पैसा तो हमें मिल जाना है, तो लेंडर्स के लिए कोई रिस्क नहीं है, बट कंपनी के लिए रिस्क है। कंपनी कहते हैं कि अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए तो हमें तो उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए फिक्स्ड रिटर्न है तो इसलिए उनके लिए जो है कंपनी के लिए सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि उनका रिस्क नहीं है तो उनका रिटर्न भी कम है। तो ये हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्दर मैंने बताया था कि डेट को बड़ा सोच समझ के यूटिलाइज करना है, कि कई कंपनीज बर्बाद हो जाती हैं डेट के चक्कर में। मैंने बताया था कि अगर कंपनीज, अब कहने को लोग ये कह सकते हैं कि अगर डेट की वजह से कंपनीज बर्बाद हो जाती हैं तो डेट लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, डेट लेना भी जरूरी है। अगर आपने ओनर्स की इनकम को बढ़ाना है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो पहला एग्जांपल था उसके अंदर यह था कि 1 रुपए से मैं 4 रुपए कमाता हूं, दूसरा 1 रुपया अगर इक्विटी से लेकर आता हूं तो उससे भी 4 रुपए कमाऊंगा, टोटल अर्निंग मेरी 8 हो जाएगी, बट अब शेयर मेरे 2 हो गए, अर्निंग्स मेरी 8 की है, 2 शेयर्स हैं, अर्निंग पर शेयर तो फिर 4 रुपए रही। पहले मैंने 1 रुपया लगा के 4 रुपए कमाया था, एक ही शेयर था, 4 रुपए की अर्निंग थी, तो अर्निंग पर शेयर फिर 4 था, बट यहां पर क्या है, अर्निंग्स बढ़ने के बावजूद अर्निंग पर शेयर 4 रुपए ही रहा। बट अगर मैं पैसा डेट से लेता हूं 1 रुपया, तो 4 रुपए कमाऊंगा,
मेरी अर्निंग्स 8 रुपए होगी, मैं इंटरेस्ट 1 रुपया पे भी कर दूं तब भी मेरी अर्निंग 7 रुपए रहेगी। अब यहां पर शेयर एक ही है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया मैंने लगाया वो डेट से लगाया। अरे बात समझ, तो 7 रुपए की मेरी अर्निंग हो गई, अर्निंग पर शेयर यहां पर 7 रुपए हो गया। तो डेट की वजह से ओनर्स की अर्निंग बढ़ जाती है। आई बात समझ, बट डेट तभी यूज करना चाहिए जब कंपनी के प्रॉफिट्स या अर्निंग्स हैवी हो। समझे, अभी भी हैवी रहे, बाद में भी हैवी होनी चाहिए। अरे बस समझ, मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो डेट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई और ओवर डेट होने की वजह से वो कंपनीज बर्बाद हो गई। जेट का हमने एग्जांपल लिया था, किंगफिशर भी यही इसी सिचुएशन में थी, एंड आपका वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज भी इसी सिचुएशन की वजह से, और भी कंपनीज हैं जैसे आपका रेनबैक्सी है, इनका भी यही स्टोरी है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। तो हम इसके बाद हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, ये सारे मैंने एग्जांपल दिए थे आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। हाँ जी, आप बोलेंगे देखिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। आपका फंक्शंस ऑफ फाइनेंस अभी रिसेंटली क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट था, 3 नंबर का, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने पहले एग्जांपल देते हुए बताया। हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस फंड कहां से लाएं और फंड कहां इन्वेस्ट करें। तो मैंने आपको लिखवाया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस। समझ रहे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर सारी अपनी 12th में एक्टिविटीज पढ़ी हुई है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, तो वो लाइन हमने यहां लिखी हुई है। और ये किसी, ये डिफाइंड डेफिनेशन है, किसी ऑथर की डेफिनेशन है ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ फॉरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द एक्वाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मींस एक्वाइजेशन एंड एप्लीकेशन, यही दो चीजों की बात कर रहा हूं। एक्वायजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्वायर कहां से करना है एंड अप्लाई कहां करना है। कीपिंग इन व्यू, कीपिंग विद इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये नोट तो कर लिया था आपने। नेक्स्ट, दस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिशनल फंड्स। मैं यही बार बार बोल रहा हूं आपसे कि जब भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में लिखना है तो हमने यही कहना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड आना कहां से है, फंड जाना कहां पर है, आना कहां से है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, लगाना कहां है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो जो भी हम इंग्लिश लिख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, उसमें एक ही चीज बोल रहे हैं, हमने थोड़ी सी लैंग्वेज फैंसी कर दी बस। अब ये यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। हमने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिशनल फंड्स। ये आप इसको एक ही लाइन में लिखेंगे। तो हमारा डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां तक खत्म हो जाता है। अब हम कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स का मतलब क्या है, जो आपके पास पैसा पड़ा है उसका क्या करोगे, या तो आप क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आप एसेट्स परचेज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग डिसीजन। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास पैसा पड़ा है उसका क्या करोगे आप, या तो आप उससे इन्वेस्टमेंट करोगे या उसको आप डिविडेंड की तरह दोगे।
डिविडेंड डिसीजन। पैसा जो आपके पास पड़ा है वो आया कहां से? वो आपके प्रॉफिट्स थे जो पिछले पीरियड में आपके पास पड़े हुए थे। अब उनका आपने क्या करना है, या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या आप डिविडेंड करोगे या आप डिविडेंड दोगे। यही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट्स आपके पास है क्या शेयर होल्डर उसका डिविडेंड मांगता है। इसलिए मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था, डिविडेंड तब मांगेगा अगर कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट अगर है तो डिविडेंड नहीं मांगेगा। अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो शेयर होल्डर क्या कहेगा, भैया डिविडेंड दे दे। एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिशनल फंड्स का मतलब क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो यहीं से हमारा आगे फर्दर कंसेप्ट निकला, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है, देखिए मैं ये थ्योरी करवा रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव थ्योरी करवाना नहीं है। ऑल्दो अगर ये इस चैप्टर के अंदर बेसिक के अंदर दो थ्योरी क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेडली आते हैं, तो अगर मोस्ट रिपीटेडली आते हैं तो उसका सेट आंसर हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, यहां से मैं उन सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स का कंसेप्ट और लिंक निकालूंगा जो हमने करने हैं। हमें पता तो हो कि हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उन चैप्टर्स में कर क्या रहे हैं, हमारा पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की स्कीम के अंदर वो हर चैप्टर कहां कहां फिट हो रहा है। रैंडमली चैप्टर्स अगर करेंगे तो हमारा कंसेप्ट खराब हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब मैं शुरू से क्या बताता आ रहा हूं कि फंड्स रेज कहां से करने हैं एंड फंड लगाने कहां पर है। रेज का मतलब यह है प्रोक्योरमेंट और लगाने का मतलब यह है यूटिलाइजेशन। आ रही बात समझ, यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि पैसा कहां लगाना है। अब पैसा कहां लगाने का मतलब क्या हुआ कि या तो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो एसेट्स के अंदर या पैसा डिविडेंड दे दो। पैसे का यूज तो कुछ ना कुछ करेगा ना, करना है ना। अगर कंपनी खुद यूज कर सकती है तो इन्वेस्टमेंट कर ले, नहीं यूज कर सकती तो शेयर होल्डर को दे दे, समझ रहे। तो यहां पर क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन, और प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिशनल फंड्स का मतलब क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, अगर आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने तीन लाइनें लिखी एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, दस फंक्शंस ऑफ फाइनेंस आर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि पैसा आना कहां से है, लगाना कहां पर है। आने का मतलब यह है फाइनेंसिंग डिसीजन, लगाने का मतलब यह है या तो इन्वेस्टमेंट में लगा दो या डिविडेंड क्या शेयर होल्डर को देने में लगा दो। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड से निकलता है आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, एंड प्रोक्योरमेंट से निकलता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। बट हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद फाइनेंसिंग है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट ये दो डिसीजन है। हो गए, साथ साथ नोट करते रहे। ऑल्दो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं बट मेरा ऑब्जेक्टिव थ्योरी लिखवाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरे फाइनेंस में जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ने हैं मुझे वो बताना है आपको, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो क्यों पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कई बार एक डिसीजन के ऊपर भी आपका थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसका मतलब क्या है, आप पैसा कहां पर इन्वेस्ट करोगे। इट इज कंसर्न्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स इन एसेट्स
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जिस्टिंग पैसा है वो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। दस इट रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट स्ट्रक्चर एसेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एसेट स्ट्रक्चर का मतलब यह है, एसेट स्ट्रक्चर का मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना, करंट एसेट्स में कितना। अ फर्म कैन इन्वेस्ट इन टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। दो टाइप्स ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगी। फर्स्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स, एंड सेकंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। मुझे ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने थे इसलिए मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं। फर्म कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है भाई? हम डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स थोड़ी देखेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब यह है कि जो आपका पैसा है वो पैसा कौन से एसेट्स पर इन्वेस्टमेंट करनी है। एसेट दो टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। डिसीजंस या लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यील्ड रिटर्न। ऐसा करते हैं, विच यील्ड रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तभी लॉन्ग टर्म एसेट्स है। काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म पीरियड तक चलते हैं। एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यील्ड या विच यील्ड रिटर्न फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। करंट एसेट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो जो रिटर्न यील्ड करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स वो जिनका बेनिफिट शॉर्टर पीरियड में एक्सपायर हो जाता है। अब यहां देखेंगे जरा, साथ साथ नोट हो रहा है ना। डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। समझ आया? ये है आपका चैप्टर कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है? डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग टर्म एसेट्स
आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एंड डिसीजंस डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स आर नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ये भी आपका चैप्टर है वर्किंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अब समझ आ रहा है कि मैंने आपको सारा कोर्स बताया था, कोर्स में मैंने अलग अलग चैप्टर्स लिए थे. अब उन चैप्टर्स के अंदर हमने करना क्या है. हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि एग्जिस्टिंग फंड्स का क्या यूटिलाइज करें और नए फंड्स अगर चाहिए तो कहां से लाएं. एग्जिस्टिंग फंड्स का क्या यूटिलाइज करना है, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो या डिविडेंड दे दो. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि जो पैसा कंपनी के पास है उसको किस टाइप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है. टाइप ऑफ एसेट्स दो है, लॉन्ग टर्म एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स. लॉन्ग टर्म एसेट्स वो जो यील्ड लॉन्गर पीरियड तक दे, शॉर्ट टर्म एसेट्स वो जो यील्ड शॉर्टर पीरियड तक दे. और किस लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करना है, इस डिसीजन को कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. समझ आई. एंड डिसीजंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब क्या है. अगर मान लेते हैं कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए पड़े, मान लेते हैं कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी के पास 100 करोड़ का कैश पड़ा है. अब कंपनी कहती है इस 100 करोड़ का हम क्या करें, एग्जिस्टिंग फंड्स का यूटिलाइजेशन, या तो इस 100 करोड़ से डिविडेंड दे दें या इस 100 करोड़ से हम इन्वेस्टमेंट कर लें. अब अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 100 करोड़ को किस टाइप ऑफ एसेट्स में लगाएं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में कि शॉर्ट टर्म एसेट्स में. अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाना है तो लॉन्ग टर्म एसेट्स के डिसीजंस को क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. अरे बस समझ. अब मान लेते हैं कंपनी कहती है कि 100 करोड़ में से 80 करोड़ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और 80 करोड़ जो है, 100 करोड़ क्या एसेट्स हैं तो कंपनी ने कैश है, कंपनी कहती है हम 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे. अब 100 करोड़ को अगर आपने एसेट्स में कन्वर्ट करना है तो या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे या शॉर्ट टर्म एसेट्स होंगे. तो कंपनी ने कहा कि 80 करोड़ हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाएंगे. अब लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स का यह मतलब है कि मान लेते हैं कंपनी का सीमेंट का प्लांट है, कंपनी का सीमेंट का बिजनेस है, कंपनी का प्लांट जो है लगा हुआ है. अब कंपनी कहती है कि हमें एक और प्लांट लगाना चाहिए. अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो अगर हम 100 करोड़ में से 80 करोड़ लॉन्ग टर्म एसेट्स पे लगाएं तो हमें कंपनी ने कहा कि हमें एक और प्लांट लगाना चाहिए. अगर एक और प्लांट लगाना है तो कंपनी कहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी क्या लें. जब हमने पहले प्लांट लगाया था तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी हमें मिली हमने उसको ले लिया, बट अब हमारे पास फंड्स हैं, अब हमारे पास एक्सपीरियंस है, अब हम कौन सा प्लांट लगाएं. कंपनी कहती है या तो जापानीज टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा लो या कोरियन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा लो. इसका मतलब क्या है, प्लांट या तो जापान से लो या कोरिया से लो. अरे बस समझ. अब आप चूज करोगे कि कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट आपने लेना है. अब इन दोनों में से आप कौन सा एसेट लोगे, क्या फैक्टर्स होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है. अरे बस समझ. आप ये सोचोगे कि जो प्लांट ज्यादा प्रोडक्शन दे उस प्लांट में इन्वेस्टमेंट करें, यही करोगे ना, कि जो प्लांट ज्यादा प्रोडक्शन दे, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा. इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है नया एसेट लेने का, रेवेन्यू बढ़ाना. या हो सकता है कि हमें यह पता है कि नए प्लांट की टेक्नोलॉजी अच्छी है
तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर रॉ मटेरियल कम लगता है, प्रोडक्शन ज्यादा आती है, या रॉ मटेरियल की वेस्टेज कम होती है, प्रोडक्शन हमारी ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास 80 करोड़ का फंड है उसको मैंने लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब लॉन्ग टर्म असेट्स के में इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में मुझे डिसाइड क्या करना है कि मैं जापान का प्लांट लूं कि कोरिया का प्लांट लूं। इसका मतलब मार्केट में जितने कोर्स ऑफ एक्शन है, जितनी ऑप्शंस हैं, मैं उसको इवेल्युएट करूंगा। और इवेल्युएट करके मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इवेल्युएशन में क्या ऑब्जेक्टिव लूंगा, या तो वो जो नया प्लांट है या तो मेरा रेवेन्यू बढ़ा रहा है या मेरी कॉस्ट कम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव तो ये था ना कि मेरे को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। अरे बस, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हम करते क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हमने करना क्या है, वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस आर इवेल्युएटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का मतलब यह है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इवेल्युएट करना, इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन से लॉन्ग टर्म एसेट आप लोगे। मैंने जो एग्जांपल लिया कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमने जापान की टेक्नोलॉजी लेनी है कि कोरिया की टेक्नोलॉजी लेनी है, जिसमें से ज्यादा फायदा होगा मैं वो टेक्नोलॉजी लूंगा। इसका मतलब क्या है, मुझे दोनों के फायदे इवेल्युएट करने पड़ेंगे। अब फायदे किस सेंस में होंगे, या तो वो एसेट मेरा रेवेन्यू बढ़ा देंगे या वो एसेट मेरी कॉस्ट कम कर देंगे, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इधर इंक्रीज इन रेवेन्यू और डिक्रीज इन कॉस्ट। समझ आया, साथ साथ नोट हो रहा है, नहीं पेपर में ऐसे बना के थोड़ी करेंगे आप, ये तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। मैंने कहा हमारा शुरू से किस तरह से चल रहा है, आपने याद भी इस तरह से करना है। देखिए आप वर्ड बाय वर्ड कभी आप चीजें याद नहीं कर पाएंगे, और रट्टाफिकेशन हमारा कभी ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं है। आप सिर्फ पॉइंट्स बनाए, कंसेप्ट को समझें, अगर आप इसको हल्की सी रीडिंग में देंगे आपके दिमाग में रिटेन कर जाएगा लास्ट डे में। मैं हमारा फ्लो क्या चल रहा है, हमारा फ्लो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स, रेजिंग ऑफ न्यू फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स का मतलब क्या है कि या तो इन्वेस्टमेंट कर लो या डिविडेंड दे दो। इन्वेस्टमेंट किस में करोगे, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ एसेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में या शॉर्ट टर्म एसेट्स में। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते क्या है, जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट यील्ड करें। शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन से होते हैं, जो शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट यील्ड करें। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब क्या है कि कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदें। समझ रहे, ये डिसाइड करना कि कौन से लॉन्ग टर्म एसेट खरीदें, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। अरे बात समझ, अब आप कौन से लॉन्ग टर्म एसेट खरीदोगे, जो एसेट आपको बेनिफिट ज्यादा दें आप वो खरीदोगे। बेनिफिट किस फॉर्म में, या तो इंक्रीज इन रेवेन्यू या डिक्रीज इन कॉस्ट। अरे बात समझ, ओके, फोर्थ पॉइंट। अब देखिए क्या है, मैंने अभी दो चैप्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी आगे भी देखिए, अब कंपनी कहती है कि 80 करोड़ हमारे पास पड़े हैं। अब या तो हम क्या करें, हमारा एग्जिस्टिंग सीमेंट का प्लांट है, हम क्या कर सकते हैं, 80 करोड़ को अपने ही सीमेंट प्लांट में इन्वेस्ट करें और अपने सीमेंट को, मतलब सीमेंट की प्रोडक्शन को एक्सपैंड करें। तो हम सीमेंट का नया प्लांट लगाएंगे। अब सीमेंट का नया प्लांट मैं जापान का लूं कि कोरिया का लूं, जिससे ज्यादा बेनिफिट होगा वो ले लेंगे। अरे बात समझ, बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि
कंपनी के पास पहले से ही 70% मार्केट शेयर है। अरे बात समझ, आपने सुना है सेंचुरी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, श्रीराम सीमेंट। तो मान लेते हैं मेरी कंपनी के पास पहले से ही 70% मार्केट शेयर है। आई बात समझ। अब मैं कहता हूं अगर मेरे पास पहले से ही 70% मार्केट शेयर है तो सीमेंट के इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट करने की बजाय दूसरा बिजनेस देखा जाए, क्योंकि अगर मैं सीमेंट में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि 70% पहले से ही मार्केट का शेयर मेरे पास है। तो 30% मार्केट में दूसरे सीमेंट हैं, वो भी तो लेंगे। अरे बस समझ, अगर मैं पहले ही 70% ऑपरेट कर रहा हूं, 30% के लिए तो दूसरे सीमेंट वाले भी फाइट करेंगे। अब मुझे अगर उनका भी शेयर खींचना है 70% के बाद, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। बट देखिए, वो लोग भी अपने शेयर के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि पहले से ही मैं 70% होल्ड करके बैठा हूं। तो अगर मैं जिस मार्केट में मैं ही पहले से मेजर प्लेयर हूं, अगर मुझे वहां पर और फाइट देनी है तो मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे रिटर्न कम मिलेगा, कितना, 2% 4% शेयर एक्स्ट्रा मेरा बढ़ जाएगा। कंपनी कहती है हम इस फील्ड के अंदर पहले से ही एक्सपर्ट हैं, तो क्यों ना दूसरी फील्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए। अरे बस, तो इसका मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय कंपनी कहती है कि दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, यह भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो कौन से बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमें तो सीमेंट का एक्सपीरियंस है। आई बात समझ, इसका मतलब कौन से दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूं मैं, क्योंकि मुझे तो किसी दूसरे बिजनेस के बारे में पता ही नहीं। मैंने सोचा कि शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि शिपिंग भी लॉन्ग टर्म बिजनेस है। शिपिंग में हम क्या करते हैं, एक शिप लेते हैं एंड या तो पैसेंजर या गुड्स को टू एंड फ्रो भेजते हैं, इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर। इसका मतलब क्या है, या तो मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दूं या मैं किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दूं। अब मैंने सोचा कि शिपिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाए, मेरे पास 80 करोड़ है, तो मैंने सोचा 80 करोड़ से शिप परचेज किया जाए। बट पॉइंट इज दिस, शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आई बस समझ, क्या बिजनेस की इंट्रिकेसीज होती हैं, क्या बिजनेस में डिफिकल्टीज हैं, कहां से कैश आना होता है, कहां कैश जाना होता है, और शिप को परचेज करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में देनी चाहिए, यह हमें पता ही नहीं। और मैंने पता किया नया शिप तो 300 करोड़ का आता है। आई बात समझ, तो कंपनी कहती है अगर नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है और हमारे पास 80 करोड़ है तो बेटर यह है कि हम पुराना शिप परचेज कर लें। अगर हम पुराना शिप परचेज करेंगे और उसको 2 साल तक ऑपरेट करेंगे तो हमें शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में पता लग जाएगा। समझा, क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या रूल्स हैं, पैसा कहां से आना है, पैसा कहां जाना है, और एक बार जब हम शिप यूज कर लेंगे हमें पता लग जाएगा कि जो नया शिप हमें चाहिए उसमें हमें क्या क्या डलवाना है। आई बात समझ, इसका मतलब क्या है, तो जो आप लॉन्ग टर्म एसेट परचेज कर रहे हो, लॉन्ग टर्म एसेट परचेज्ड कैन बी न्यू और ओल्ड। अगर हम सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या करूंगा, नया प्लांट लूंगा। बट अगर मैं नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं पुराना एसेट लूंगा, ताकि मुझे यह पता लगे कि यूसेज कैसे करनी है। और नया शिप तो 300 करोड़ का आ रहा है, 80 करोड़ अगर मेरे पास पड़े हैं, 300 करोड़ का अगर मैं शिप लेता हूं तो इसका मतलब मुझे बाकी 220 करोड़ क्या करना पड़ेगा, या तो नया फंड रेज करना पड़ेगा या मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा। पहले मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस तो हो जाए। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स जो आप परचेज कर रहे हो, या नया भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है। हमने कहा डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इसका मतलब क्या है, फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। आपका क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आप क्या कहोगे, सिलेक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एसेट स्ट्रक्चर,
एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स. लॉन्ग टर्म एसेट्स जो लॉन्ग पीरियड तक रिटर्न दे, शॉर्ट टर्म एसेट्स जो शॉर्ट पीरियड तक रिटर्न दे. डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. आई बात सर, अब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हम करते क्या है, मार्केट में जितने ऑप्शंस हैं उनको इवेल्युएट करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू या डिक्रीज इन कॉस्ट. और जो एसेट परचेज कर रहे हैं दैट कैन बी न्यू और ओल्ड. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. हमने कहा डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हम करते क्या है, हम करते हैं कि मैं कोरिया का प्लांट लूं कि जापान का प्लांट लूं. तो पहली बात, पहली चीज हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. समझ रहे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस. हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, या तो जापान का प्लांट लेंगे या कोरिया का प्लांट लेंगे. हम क्या कहेंगे, बेनिफिट्स ऑफ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन आर इवैल्यूएटेड एंड एक्शन विच यील्ड हाईएस्ट रिटर्न इज एक्सेप्टेड. हमने जापान का प्लांट लेना है या हमने कोरिया का प्लांट लेना है, जो प्लांट मुझे ज्यादा रिटर्न देगा मैं वो प्लांट एक्सेप्ट करूंगा. दूसरा, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसमें क्या करेंगे हम. अगर हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ले रहे हैं इसका मतलब यह है कि किस एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है. हमने वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखे, जो ऑल्टरनेटिव ज्यादा रिटर्न देगा हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे. बट ये डिसाइड करते हुए कि ज्यादा रिटर्न कहां मिल रहा है, हमने ये भी तो देखना है कि वो जो ज्यादा रिटर्न है उस ज्यादा रिटर्न को लेने के लिए हमें कितना रिस्क लेना पड़ेगा. अरे बात समझ, ऐसा थोड़ी है कि हमने कहा कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाई रिटर्न के लिए मैं इतना ज्यादा रिस्क ले लूं कि मेरी कंपनी कल बंद हो जाए. शेयर होल्डर चाहता है कि रीजनेबल रिस्क पे रीजनेबल रिटर्न मिलता रहे. ऐसा ना हो कि आज आप इतना बड़ा रिस्क ले लो कि जो पैसा आपके पास है उसको आपने रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया. अगर रिस्क फेल हो गया, अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा. आई बात समझ. कभी पीछे को आया था, किसी ने कहा था कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना आ जाए. हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ऐसा एसेट परचेज कर लें जिसमें एक तरफ से आलू डालें दूसरी तरफ से सोना अगर आ जाए, अगर बिजनेस चल जाए तो क्या दिक्कत है, बट अगर नहीं चला तो मेरी तो कंपनी बंद हो गई कि मैंने तो एसेट परचेज कर लिया था और मैंने आलू भी परचेज कर लिए थे, बट क्या हुआ, मैंने जब डाला तो सोना आया ही नहीं, तो प्रोजेक्ट रिस्की था. शेयर होल्डर कहता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मतलब प्रोजेक्ट्स विद रीजनेबल रिस्क एंड रीजनेबल रिटर्न आर एक्सेप्टेड. समझ आया, ये हमारा चैप्टर है
ये हमारा चैप्टर है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग में, हमने ये देखना है कि जो हम कौन सा कैपिटल एसेट, हम कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करें। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में हमने ये देखना है जो एसेट आप परचेज कर रहे हैं उनके रिटर्न में रिस्क कितना है, समझ रहे हैं? तो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम पढ़ रहे हैं फीचर्स इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में आपने करना क्या है, पहले तो आपने वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को इवेल्यूएट करना है। जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा रिटर्न दे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरा जो एसेट ज्यादा रिटर्न देने का मतलब यह है कि उसमें रिस्क भी लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न ले ले, रीजनेबल रिस्क के साथ रीजनेबल रिटर्न चाहिए। तीसरी चीज, कंपेयरिंग रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट कंपेयरिंग रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट विद मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बात समझ आई? मींस ये कि अगर मैं प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहा हूं या मैं किसी एसेट को इवेल्युएट कर रहा हूं, मैं ये देखता हूं कि इस एसेट से 15% का रिटर्न आ रहा है, बट मुझे ये भी देखना है कि अगर ये प्रोजेक्ट 15% का रिटर्न दे रहा है, जहां से मैं इस प्रोजेक्ट में या इस एसेट को परचेज करने के लिए मैं जहां से पैसे लेकर आ रहा हूं मुझे उसको कितना देना है। आई बात समझ? कॉस्ट मेरी कितनी है? 12% की अगर मेरी कॉस्ट है और इन्वेस्टमेंट 15% की है, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न 15% का आ रहा है, फिर तो मुझे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कंपेयरिंग द रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट विद मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रोजेक्ट कितना कमा रहा है उसको मैं कंपेयर करूंगा, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं पैसा कहां से लेकर आ रहा हूं, उस पैसे की कॉस्ट क्या है। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हम तीन चीजें करते हैं। पहली चीज ये, पहली चीज क्या कि रिटर्न ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, दूसरा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एंड तीसरा रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट को हम कंपेयर करेंगे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से। अगर प्रोजेक्ट में 15% का रिटर्न है और उसकी कॉस्ट 12% है, फिर तो मुझे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न 15% का है और उसकी कॉस्ट 18% है, तो क्या मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। समझ आया? ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। हाँ जी, नोट करेंगे। ये समझ आया? हमारे यहां पर चैप्टर्स आ रहे हैं, अब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। हमारा ये जो हमने अभी तक जो पढ़ा है पिछली क्लास में और अब तक, उसका क्रक्स क्या है? अभी तक का क्रक्स ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है एग्जिस्टिंग फंड्स को यूटिलाइज करना एंड नए फंड्स को रेज करना। एग्जिस्टिंग फंड्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? या तो इन्वेस्टमेंट कर ले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या डिविडेंड दे दो, डिविडेंड डिसीजन। और अगर न्यू फंड्स को एक्वायर करना है, कहां से एक्वायर करना है, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने क्या देखा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है? एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना। एसेट्स दो टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। डिसीजंस रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है। एंड डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में ऑब्जेक्टिव क्या होता है एसेट परचेज करने का? या तो आप रेवेन्यू इंक्रीज कर लो, या आप कॉस्ट डिक्रीज कर लो, या एसेट जो परचेज करोगे या वो न्यू एसेट होगा या वो ओल्ड एसेट होगा। हमने कहा फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। हम कैपिटल बजटिंग के अंदर करते क्या है,
मार्केट में जितने एसेट्स हैं सबको कंपेयर करेंगे, जिस एसेट से रिटर्न ज्यादा आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। बट ज्यादा रिटर्न का मतलब यह नहीं है कि रिस्क इंडेफिनेटली ले लेंगे, बहुत बड़ा रिस्क ले लेंगे, रीजनेबल रिस्क के साथ रीजनेबल रिटर्न हमें मिल जाए। एंड तीसरी चीज क्या करेंगे कैपिटल वेटिंग के अंदर, रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट को कंपेयर करेंगे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट का रेट कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। समझ आया? तो ये थ्योरी अगर आती है, मेरा ऑब्जेक्टिव थ्योरी कराना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव इन चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करना था। हमने कैपिटल बजटिंग करना है, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर करना है, हमें रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल वेटिंग करना है, एंड हमें क्या करना है, हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है। डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स आर नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैंने आपको कहा कि कंपनी के पास 100 करोड़ का फंड है, कंपनी ने यह डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट करें कि डिविडेंड दे दें। कंपनी डिसाइड करती है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में डालना है, कितना पैसा आपने शॉर्ट टर्म एसेट्स में डालना है। देखिए क्या है, सारा का सारा पैसा आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में नहीं डाल सकते। अगर मैंने 100 करोड़ की मशीन परचेज कर ली तो मशीन में डालने के लिए रॉ मटेरियल कहां से लाऊंगा? अरे भाई सर, यही मेन बात होती है कि बड़े बड़े बिजनेस, इनके पास एसेट्स तो बहुत है, आइडिया भी अच्छा है, बट पॉइंट इज दिस, इनके पास वर्किंग कैपिटल का पैसा नहीं होता, इसलिए बिजनेस डूब जाते हैं। आई बात समझ? तो डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स इज नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका मतलब जो फंड आपके पास है सारा का सारा आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में नहीं डाल सकते, कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए भी रखना पड़ेगा। क्यों? टू मेंटेन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। आपने पढ़ा हुआ करंट रेशो, कभी अपने बचपन में पढ़ा था क्या? वो भी जरूरत नहीं है। कंपनी शुड इन्वेस्ट invest some part of funds in working capital to maintain short term solvency। आपने 100 करोड़ की मशीन तो परचेज कर ली, अगर हम सारा पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में डाल दें तो आपने 100 करोड़ की मशीन तो परचेज कर ली, बट मशीन में डालने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 100 करोड़ में से 80 करोड़ का हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में डाल दिया और 20 करोड़ हमने शॉर्ट टर्म एसेट में डाल दिया। मैंने को बताया कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल का पैसा ना होने की वजह से भी आपका बिजनेस डूब जाता है। अगर अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बॉडी है तो बॉडी के अंदर खून जो दौड़ता है वो वर्किंग कैपिटल है। अरे बस समझ, बॉडी होने से कोई फायदा नहीं, खून भी दौड़ना चाहिए। एक आपका कंपनी है आपकी रेनबैक्सी, रेनबैक्सी के जो ओनर थे उनका नाम था भाई मोहन सिंह। भाई मोहन सिंह ने रेनबैक्सी बनाई थी। उनके बड़े बेटे थे परविंदर सिंह। 90s में भाई मोहन सिंह और परविंदर सिंह के बीच में पावर स्ट्रगल चला था। परविंदर सिंह ने कहा कि भाई मोहन सिंह ने जो है जो रेनबैक्सी कंपनी बनाई थी वो बड़े सालों पहले बड़ी मेहनत से बनाई थी, बट जब परविंदर सिंह उनका बेटा जो बड़ा बेटा था जब वो इस बिजनेस में आया तो उसने कहा कि हम बड़े सालों से यह बिजनेस कर रहे हैं, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने बिजनेस का पैसा दूसरे बिजनेस में भी लगाना चाहिए, एक ही बिजनेस के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। बट जो भाई मोहन सिंह है उनके फादर, उन्होंने कहा कि देखो बिजनेस लगाना आसान काम है, समझ रहा है, पैसा अभी है तो आप बिजनेस लगा दोगे, बट पॉइंट इज बिजनेस लगाना ही काफी नहीं है, बिजनेस चलाना भी है, और बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पैसा है
वो हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करें तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऑपरेशंस जो है स्मूथली चलते रहेंगे। बट अगर आप एग्जिस्टिंग पैसा नए बिजनेस में लगा दोगे तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस की वर्किंग कैपिटल भी रह जाएगी और नए बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल कहां से आएगी? आई बात सर। तो इस पॉइंट पे फादर और सन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ एंड सन ने यह कहलवा दिया कि फादर को अब दोबारा कंपनी के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आई बात समझ। फादर ने यह कहलवा दिया, गार्ड्स को यह बोल दिया कि अगर ये मेरा फादर जो है कंपनी के अंदर आते हुए नजर आए तो कुत्ते छोड़ देना। ये हम 90s में सुना करते थे कि ये चीज हुई थी। अब रनबैक्सी कंपनी का नाम सुना? देखिए, हमारे पास हमारे अपने कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट की इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं जो हमारे हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट में फिट बैठती हैं, तो हम टाइम टाइम पे इन चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो पाए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म असेट्स चाहिए तो आपको शॉर्ट टर्म असेट्स भी चाहिए कि आपकी शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी बनी रहे। अगर लेबर को पैसा देने के लिए पैसा नहीं होगा तो लेबर काम करना छोड़ देगी, आपके असेट्स क्या कर लेंगे? जेट एयरवेज ने अपने एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दिया था, सैलरी नहीं दी थी, तो काम करना बंद कर दिया, स्ट्राइक में चले गए। किंगफिशर में भी ऐसी हुआ था। समझ आया? हो गया नोट? कौन सा पॉइंट? शॉर्ट टर्म असेट्स का नोट हो गया। फोर्थ पॉइंट लॉन्ग टर्म असेट्स का। ओके, ये बात समझ आई? हाँ जी, हो गया। नोट हो गया पूरा ही? तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। हाँ जी, रनबैक्सी की स्टोरी। हाँ देखिए, क्या है कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता इसके। रनबैक्सी बनाई थी भाई मोहन सिंह ने और इसको टेक ओवर किया था 90s में, 94, 95 में या 93 में परविंदर सिंह ने, और उस टाइम लड़ाई हुई थी फादर और बेटे की जिसमें बेटा जीता था। एंड मैंने बताया कि ये हम उस टाइम सुनते थे कि ये अनाउंसमेंट हुई है कि परविंदर सिंह ने बोला था कि अगर मेरे फादर कंपनी के अंदर नजर आए तो कुत्ते छोड़ दो ताकि वो कंपनी के अंदर ना आ पाए। परविंदर सिंह जो हैं उनके दो बेटे थे, हैं मलविंदर सिंह एंड शिविंदर सिंह। परविंदर सिंह की डेथ हो गई एंड बेटों ने ये रनबैक्सी बेच दी, जापानीज कंपनी थी दाइची, उसको बेची। बट दाइची को लगा, ये आई थिंक 9000 समथिंग करोड़ की बेची थी, 9900 समथिंग की बेची थी। बट दाइची को लगा कि इन्होंने बड़ी महंगी कंपनी खरीद ली है, तो उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल्स को ये वापस बेच दी। एंड अब ये जो परविंदर सिंह के बेटे हैं मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, इनके पास दो चीजें रह गई, एक फोर्टिस हॉस्पिटल वो भी इनका था एंड एक एनबीएफसी है रेलिगेयर, तो ये इन दोनों इनके पास रह गई थी। बट ये भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अभी रीसेंट स्टोरी है कि मलविंदर और शिविंदर सिंह दोनों भाइयों ने 22,500 करोड़ का सत्यानाश कर दिया किसी बाबा वगैरह के चक्कर में, तो अब ये दोनों, इनके पास कुछ नहीं है। और आजकल ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो मलविंदर ने शिविंदर के ऊपर केस कर दिया वगैरह, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। तो ये है इनकी स्टोरी, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। समझ आया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है? देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव, थ्योरी तो हम कर ही रहे हैं
बट हम जो चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें उन चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन लेनी है। तो मैंने कहा कैपिटल बजटिंग हमारा पूरा चैप्टर है और उसमें हमने करना क्या है, डिसीजंस रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म एसेट्स, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग है। वहां पर हमने क्या करना है, जो हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर डिसीजंस लिए हैं उनके रिस्क को इवैल्यूएट करना है, वो देखेंगे उन चैप्टर्स में क्या करना है। फिर हमारा आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि जहां से हम फंड्स ले रहे हैं उनको हमें कितना देना है। अगर मैंने कहा कैपिटल बजटिंग का तीसरा फीचर क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट को, क्या फीचर है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट को हमने कंपेयर करना है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से। अगर प्रोजेक्ट 15% का रिटर्न दे रहा है और जहां से हमने पैसे उठाए हैं उनको 12% देना है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। अगर प्रोजेक्ट 15% का रिटर्न दे रहा है बट जहां से पैसा उठाया वो 18% उनको देना है तो इसके अंदर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। हमें यह देखना है जहां से पैसा उठाया उसकी कॉस्ट क्या है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारा पूरा चैप्टर है और हमने यही स्टार्ट करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इज कंसर्न विद डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स एंड फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद रेजिंग raising funds to acquire these assets। investment decisions के अंदर हमने ये तो decide कर लिया कि हमने assets कहां से लाने, assets कौन से लाने, अब जो asset लाने हैं उनके लिए पैसा कहां से आएगा, तो raising fund to acquire these assets, thus फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, या तो पैसा आपने इक्विटी से लिया हुआ है या डेट से लिया हुआ है या बॉन्ड से लिया हुआ है, समझ आया। Firm should have understanding about various sources various sources from which funds can be raised। and also about risk associated with each source।
आगे बढ़े। कंपनी हैज द ऑप्शन बिटवीन ओन्ड फंड्स दैट इज इक्विटी एंड सेकेंड बोरोड फंड्स दैट इज डेट। मैंने आपको यही बताया था कि हम फंड्स कहां से रेस कर सकते हैं, इक्विटी से या डेट से। ओन फंड्स दो एक्सपेंसिव बट आर लेस रिस्की एज देर इज नो ऑब्लिगेशन पे फिक्स्ड अमाउंट पर एनम और प्रिंसिपल। यही हमने इक्विटी के अंदर किया था ना, तो हम उनको कोई इंटरेस्ट देना है ना उनका प्रिंसिपल हमें वापस करना है, और कंपनी के लिए लेस रिस्की, तभी हमने कहा बट आर लेस रिस्की। कंपनी के लिए रिस्क लेस है बट ये कंपनी के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्की है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ेगा तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी। बोरोड फंड्स दो लेस एक्सपेंसिव बट आर रिस्की फॉर कंपनी एज कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था वो यूज हो गया, अभी तो इनके पीछे से पूरे चैप्टर्स हैं। कंपनी कैन ऑल्सो कंसिडरिंग कंसिडर रेजिंग फंड्स थ्रू ओवरसीज दैट इज इंटरनेशनल फंडिंग। इसका मतलब क्या है, सोर्स ऑफ फंड इक्विटी और डेट के अलावा हम इंडिया के बाहर से भी फंडिंग ले सकते हैं, बट वो भी इक्विटी और डेट की फॉर्म में होगी। बट फॉर दिस कंपनी शुड बी अवेयर ऑफ रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस
एंड मेजर्स टू कवर इट। अगर आप बाहर से पैसा रेज करोगे तो पेमेंट भी बाहर फॉरेन करेंसी में देनी पड़ेगी, और फॉरेन करेंसी का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इसका रिस्क है वहां पर। बट इस रिस्क को कवर करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होती है, उसको हम कहते हैं हेजिंग, वो हम फाइनल में पढ़ेंगे। समझ आया? तो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन भी खत्म हो गया। यहां पर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, ये हो गया नोट। ये हमने पहले चीजें डिस्कस कर रखी। यहां पर मैं छोटा सा आपसे एक रेस कर देता हूं कि कंपनी, ये लिखना नहीं है वहां पर, कंपनी इंटरनेशनल फंडिंग भी ले सकती है, ये हम करवाते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ माय बिजनेस, इंटरनेशनल फंडिंग। देखिए क्या होता है, अगर अंबानी ने इंडिया से पैसा रेज करना है, अगर डिबेंचर्स इंडिया में इशू करते हैं, तो यहां तो बैंक ही 7 या 8% का रिटर्न दे रहा है एफडी पे। तो अगर इंडिया में डिबेंचर्स इशू करने हैं तो बैंक से ज्यादा रेट देना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर रेट 10 से 12% के बीच में देना पड़ेगा, जो बैंक से ज्यादा होगा, तभी लोग बैंक से पैसा निकाल के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इंडिया में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, अरे बस। बट यूएस या लंदन में, यूके में आपका इन्फ्लेशन रेट कम है, तो इसलिए वहां पर इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो अगर यूएस में आप डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वहां पर 3% या 4% में आपको फंड्स मिल जाते हैं। बट वहां पर सिर्फ एक नुकसान है कि अगर आप डॉलर में पैसा रेज करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी डॉलर में देना पड़ेगा। आज अगर 50 रुपए का डॉलर है, अगर आपने $1,00,000 बोरो किए तो आपने 50 लाख रुपए बोरो किए। अब अगले साल अगर आप जो है इंटरेस्ट दोगे, मान लेते 4% इंटरेस्ट दोगे, तो $4,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आज डॉलर का रेट 50 था, बट हो सकता है इंटरेस्ट के टाइम पे वो 70 का हो। इसका मतलब क्या है, आपको $4,000 70 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो क्या डॉलर का रेट फ्लक्चुएट कर गया? जब आपने लोन बोरो किया था तब वो 50 का था, बट जब इंटरेस्ट देने की बात आ रही है तो 70 का है। जब रीपेमेंट की बात आएगी तो हो सकता है रेट और ज्यादा हो जाए। तो ये जो करेंसी फ्लक्चुएशन है, इसको कैसे कवर करें, कंपनी को ये भी ध्यान देना होता है। इंटरनेशनल फंडिंग हम रेज कर सकते हैं एडीआर से, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, या जीडीआर से, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। समझ आया? ये वर्ड्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, टाइम पे देखेंगे ये कहां यूज होता है, एडीआर एंड जीडीआर। एक और चीज होती है मसाला बॉन्ड, सुना हुआ है मसाला बॉन्ड या स्पाइस बॉन्ड। स्पाइस बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करें सो दैट आप इग्नोरेंट साउंड ना करें। देखिए क्या होता है कि अगर बाहर से पैसा उठाएंगे, अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं इंडिया से बाहर, तो इसका मतलब क्या है, वो डॉलर डिबेंचर्स हो गए। हमने जो है $1,00,000 के डिबेंचर इशू किए, इसका मतलब क्या है, वो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हो गए या डिबेंचर्स हो गए। अगर इंडिया से बाहर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं और उनकी मेजरमेंट डॉलर्स में हो रही है, तो वो एडीआर या जीडीआर हो जाते हैं। बट अगर आप इंडिया से बाहर कोई बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं एंड वो रुपी डिनोमिनेटेड है, समझ रहे, तो वो मसाला बॉन्ड्स हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया। अगर बॉन्ड्स आपने इशू किए हैं
और आपने इंडिया से बाहर बॉन्ड्स आपने इशू किए हैं बट आपने फंड्स रुपी में लिए हैं, तो उनको मसाला बॉन्ड्स कहते हैं या स्पाइस बॉन्ड्स। समझा? नहीं, इसके रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं अभी। हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन भी हो गया। नेक्स्ट, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस? तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस में पहले हमने देखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीजन, अब हम देख रहे हैं डिविडेंड डिसीजन। इट इज, देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज कंसर्न विद, और हमने चैप्टर्स के नाम देख लिए, इट इज कंसर्न विद ट्रीटमेंट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स। समझ रहे? कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो प्रॉफिट्स ही आएंगे, उन प्रॉफिट्स का आपने क्या करना है? कंपनी कैन ईदर डिस्ट्रीब्यूट दीज प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स और रिटेन these profits for further investments to enhance growth। यही हमने कहा था कि या तो profits को invest कर दो या profits को dividend की तरह दे दो। अगर इन्वेस्ट कर दिया तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। ठीक है, इन दिस डिसीजन कंपनी इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश टू बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। कितना प्रॉफिट देना है और कितनी बार देना है। क्वांटम मींस कितना देना है, फ्रीक्वेंसी मींस कितनी बार देना है। डिविडेंड डिसीजन हैज टू एलिमेंट्स। फर्स्ट, टू डिटरमाइन अमाउंट टू बी पेड आउट, दैट इज अमाउंट टू बी पेड आउट का मतलब यह है कंपनी ने डिटरमाइन करना है कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होगी। यह हमारा डिविडेंड चैप्टर है, डीपी रेशो।
देवरेन चैप्टर में हमने यही करना है। एंड सेकंड क्या है, टू डिटरमाइन अमाउंट टू बी रिटेन्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब यहां पर क्या है, रिटेंशन रेशो, रिटेंशन रेशो डिटरमाइन करनी। समझ आया? तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन अभी हुआ है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। यहां पर हम थोड़ा सा फ्रेमवर्क बना रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा प्रैक्टिकली चलेगा एंड हम वो ये सब यूज करेंगे वहां पर। जो हमारा मेंटल फ्रेमवर्क बन रहा है वहां पर कंसेप्ट समझने में आसानी होगी हमें, हमें फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग लास्ट में चिट्ठियां बना लेते हैं फॉर्मूलेस की एंड लास्ट में उन फॉर्मूलेस को रटते रह जाते हैं। ये नहीं करना है आपने, जितना हम कंसेप्ट समझेंगे उतना फॉर्मूला हम खुद बना पाएंगे। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये निकले कहां से हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपके आपसे खुद लिखा जाएगा और जहां पर हमें ये चीजें चाहिए होंगी वहां पर आपके ये दिमाग में होंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, रेजिंग ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स में होती है, एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड डिसीजन को क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। शॉर्ट टर्म एसेट्स से रिलेटेड डिसीजंस को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आई बात समझ? तो ये आपको लिखना आ जाएगा, हमने काफी लिखा हुआ है। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन के ऊपर अगर इंडिपेंडेंट नोट भी आता है आप वो भी लिख सकते हैं। तो हमने इसके बीच में अपने काफी चैप्टर्स के नाम देखे, हो गया नोट। तो हो गया ये। बेसिक्स हमारा फिनिश हो रहा है। मैंने कहा था बेसिक्स के अंदर सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, पहला है फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, तो आप डिफाइन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई बार मैंने बताया इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है या फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है या डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। अब देखिए जो मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बेसिक्स के अंदर, और हमारा आइडिया ये है इनको करने का कि आगे के चैप्टर्स हमारे लिए सिंपल हो जाएं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, अब देखिए अगर हम इसको थ्योरी की तरह रटें तो ये लास्ट में हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा इनकी थ्योरी को याद करने के लिए।
बट अगर हम पढ़े ही इस तरह से कि एक बार रीडिंग देने में हमें आंसर याद रहे, ताकि पेपर में अगर बाय चांस एक क्लिक कर जाए तो हम इसके बारे में लिख सकें। आप बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले हमने देखा फंक्शंस ऑफ फाइनेंस क्या होता है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मींस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस रेजिंग ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मान लेते हैं आप मुझे बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? रेजिंग ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मान लेते हैं मैंने एक अपनी ग्रोसरी शॉप लगाई, मैंने फंड रेज किए, मैं इक्विटी से फंड लेकर आया, मैं अपना पैसा लेकर आया, थोड़ा सा मैंने मार्केट से लोन लिया एंड मैंने एक शॉप लगाई। समझ रहे? मैंने ग्रोसरी शॉप लगाई, परचून की दुकान। समझ रहे? अब मैंने ये किया क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा? मैंने बिजनेस लगाया और मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मैंने रेज किया फाइनेंस एंड मैंने इन्वेस्ट किया फाइनेंस। समझ रहे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मैंने किया, मैंने इक्विटी लगाई एंड मैंने डेट लिया थोड़ा सा, एंड मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने ग्रोसरी शॉप लगाई, मैंने उसके अंदर जो है गुड्स परचेज किए, कुछ माल परचेज किया मैंने रखा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था शॉप लगाने का? क्यों मैंने शॉप लगाई? चैरिटी करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्रॉफिट कमाना। आई बात समझ? इसका मतलब यह है कि हर महीने मैं उस शॉप से बिजनेस करूंगा और मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था। बट देखिए क्या है, अगर मैं हर महीने प्रॉफिट कमाता हूं एंड वो प्रॉफिट मैं घर ले जाता हूं, तो इसका मतलब क्या है? सालों साल मैं सिर्फ उसी शॉप में बैठा रहूंगा। आई बात समझ? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हर महीने सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, ग्रोथ भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब रादर देन मैं ये सारा प्रॉफिट घर ले जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस के अंदर। आई बात समझ? कुछ साल मैं वो प्रॉफिट सेव करूं और मैं उसके साथ की दूसरी शॉप भी परचेज कर लूं, फर्दर कुछ मैंने प्रॉफिट बचाया एंड कुछ मैंने फर्दर लोन लिया, मैं उसका दूसरी शॉप भी परचेज कर लूं, वहां पर मैं आइसक्रीम पार्लर लगा लूं, फिर फर्दर कुछ सालों तक मैं और प्रॉफिट मेरा होगा, मैं उस प्रॉफिट को सेव करूं एंड वहां पर कोई दूसरा मैंने शॉप लगा लूं, एक तीसरी शॉप में साथ में और परचेज कर लूं, वहां पर मैं फ्लावर का सेल शुरू कर दूं। तो आइडिया इज दिस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने बिजनेस की प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। आई बात समझ? अब मेरे पास लंबी शॉप है जिसमें वैरायटी ऑफ गुड्स सेल होते हैं एंड मेरे बिजनेस की प्रॉफिट कैपेसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? अब अगर मैं ये बिजनेस बेचना चाहूंगा तो मेरा बिजनेस बेचने के लिए मेरी वैल्यू मुझे ज्यादा मिलेगी, जितना पैसा मैंने लगाया उससे ज्यादा मुझे वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस की प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाई। अगर कोई मुझसे यह बिजनेस खरीदता है वो ये नहीं देखेगा कि अभी क्या बिजनेस हो रहा है, अभी क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो ये देखता है कि इस बिजनेस से फ्यूचर में क्या कमाया जा सकता है। मैंने तो सिर्फ स्टार्ट किया है। आई बात समझ? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ही, बट मेरा ऑब्जेक्टिव फर्दर क्या होना चाहिए? मेरा ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि इस बिजनेस से मेरी नेटवर्थ कितनी बड़ी है। आई बात समझ? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप देखें आईपीएल में शाहरुख खान की टीम है, क्या नाम है उसका? कैलकटा नाइट राइडर्स, केकेआर। केकेआर की टीम 2008 में इन्होंने 75 मिलियन डॉलर्स की परचेज की थी। उस टाइम एक डॉलर का रेट 50 रुपीज के आसपास था या 54 के आसपास, जो भी था। समझ रहे? तो अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 290 करोड़ रुपीज लगाए थे टीम परचेज करने के लिए। समझ रहे? अब अगर इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो देखिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट, तो क्या इनका रेवेन्यू एवरेज हर साल का 170 करोड़ का होता है और इनका प्रॉफिट हर साल का
9 करोड़ का होता है या 10 करोड़ का होता है, तो क्या इन्होंने 290 करोड़ की इन्वेस्टमेंट क्या सिर्फ ये प्रॉफिट कमाने के लिए की है? आज इस केकेआर की वैल्यूएशन केकेआर की वैल्यूएशन 720 करोड़ की है। तो जो चीज 290 करोड़ की खरीदी थी वो आज उसकी वैल्यूएशन 720 करोड़ की है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव जो आपने बिजनेस लगाया उसकी नेटवर्थ बढ़ाना है। वैल्यूएशन 720 करोड़ का मतलब क्या है कि आज अगर इसको बेचा जाएगा तो 720 करोड़ मिलेंगे। ये 720 करोड़ क्यों मिलेंगे? अगर किसी को बेचा जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि आज इस बिजनेस में से कितना कमा रहे, वो ये देखता है कि इस बिजनेस से फ्यूचर में क्या कमाया जा सकता है। अरे बात समझ, फ्यूचर प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है? तो इसका मतलब क्या है, कोई बिजनेस अगर लगाएं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो गोल होना ही चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट एक छोटा एस्पेक्ट है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, नेटवर्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आईपीएल के अंदर केकेआर प्रॉफिट कमा रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर टीम प्रॉफिट कमा रही। जो आपकी चेन्नई है, चेन्नई सुपर किंग्स, उनका प्रॉफिट नहीं है, उनके लॉसेस हो रहे हैं हर साल, बट फिर भी उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है जिससे उनसे परचेज किया, जिस प्राइस पे परचेज किया आज उनकी वैल्यूएशन उससे ज्यादा है। वैल्यूएशन क्यों ज्यादा है? ऑल्दो वो लॉसेस इनकर कर रहे हैं बट वैल्यूएशन क्यों ज्यादा है? वैल्यूएशन इसलिए ज्यादा है कि पॉइंट इज नॉट दिस थिंग कि आज बिजनेस की क्या वैल्यू है, आज प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, पॉइंट इज दिस कि अगर इसको ठीक से मैनेज किया जाए तो आगे इससे क्या प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। आईपीएल से प्रॉफिट जनरेट कैसे होते हैं, कोई टीम कैसे प्रॉफिट कमाती? टिकट्स बिकती हैं स्टेडियम की, उसमें उनको शेयर मिलता है, एडवर्टाइजिंग होती है, पर क्या नाम है, टीम के टी शर्ट्स के ऊपर उनके ब्रोशर्स वगैरह लगे होते हैं, जो है जितने भी कंपनीज होती उनसे उनको पैसा आता है। बीसीसीआई से 20 करोड़ हर साल का मिलता है या 35 करोड़ मिलता है उनको हर साल। अगर ये टीम जीतती है तो 20 करोड़ का इनको प्रॉफिट आते हैं, 20 करोड़, अगर जो टीम जीतती है उसको 20 करोड़ मिलते हैं बीसीसीआई की तरफ से, तो यहां से इनके प्रॉफिट आते हैं। बट पॉइंट इज दिस कि नेट प्रॉफिट कमाने के लिए इन्होंने यह नहीं देखना कि आज प्रॉफिट कितना आ रहा है, इनकी वैल्यूएशन किस तरीके से जज की जाती है कि आगे ये प्रॉफिट्स कितना कमाएं। अरे बात समझ, मुंबई इंडियंस की आज की वैल्यूएशन 804 करोड़ की है, डॉलर में अगर इनकी वैल्यूएशन देखी जाए तो 104 मिलियन डॉलर्स की है केकेआर की, एंड मुंबई इंडियंस की 115 मिलियन डॉलर्स की है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेटवर्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। मैंने बताया कुछ आईपीएल की कंपनीज, सॉरी जो है सिर्फ ये मुंबई इंडियंस और केकेआर या आपका जो है पंजाब कभी कभी किसी साल में प्रॉफिट कमा लेती हैं, बट बाकी सारी फ्रेंचाइजेस लॉसेस इनकर कर रही, बट उनकी वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा है। वैल्यूएशन ज्यादा क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वैल्यूएशन ज्यादा क्यों है? वैल्यूएशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि आज उनमें उनकी मतलब आज उनको एस्टैब्लिश किया गया है। अगर ये कंटिन्यू रही तो फ्यूचर प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, इसलिए उनकी वर्थ बढ़ रही। दिल्ली डेयर डेविल्स जो अब दिल्ली कैपिटल्स हो गया, जीएमआर ने, जीएमआर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने परचेज की थी 77 मिलियन डॉलर्स की, आज उसकी वैल्यू, इन्होंने परचेज किया 2018 में, सेल किया 2018 में, 50% स्टेक इन्होंने सेल कर दिया, किसको, जेएसडब्ल्यू, जिंदल से, ये जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप है, इसको इन्होंने सेल किया है, सॉरी 84 मिलियन डॉलर्स की परचेज किया था उन्होंने, जीएमआर ने दिल्ली कैपिटल्स को, जेएसडब्ल्यू को 50% स्टेक इन्होंने 2018 में सेल किया 77 मिलियन डॉलर्स का। तो आप देखो, अगर 50% स्टेक 77 मिलियन डॉलर्स का सेल किया है तो इसका 100% स्टेक कितने का होगा,
अप्रोक्सीमेटली 154 मिलियन डॉलर्स का। इसी तरह से वैल्यूएशन लगाई जाती है। अब जी एंड डेली कैपिटल कोई मैच तो जीती नहीं, लॉसेस इनकर कर रही है, बट फिर भी परचेज किया था 84 मिलियन डॉलर्स का और आज इनकी वैल्यू 154 मिलियन डॉलर्स है। वो ये नहीं कि आज लॉसेस कमा रही, फ्यूचर अगर ठीक से मैनेज किया जाए तो फ्यूचर प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली जाएगी। अरे बात समझ। जियो, मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी लगाई, पहले साल तो इन्होंने कस्टमर से कुछ नहीं लिया, फ्री में सिम बांटे। आइडिया क्या था कि फ्री में अगर सिम दिया जाएगा जिसमें फ्री कॉलिंग दी जाएगी, फ्री मैसेजिंग दी जाएगी और फ्री इंटरनेट दिया जाएगा तो लोग इसको आराम से लेंगे। आई बात समझ। अब इंडिया में 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 50 करोड़ लोगों के पास भी अगर फोन है तो इसका मतलब क्या है, जियो के सिम मोस्टली सब फ्री में लेंगे और सबने लिया भी। आई बात समझ। इसका मतलब एयरटेल या जो है वीडियोकॉन, इनको जितने लोगों में पहुंचने में जो टाइम लगा, 30 लाख या जो है 30 करोड़ पहुंचने में अगर टाइम लगा तो जियो वो उसने वो क्या किया, 2 साल में पहुंच गया। अरे बात समझ। आज जियो की वैल्यूएशन 65 बिलियन डॉलर्स की है। आई बात समझ। अगर आप देखें, मैंने निकाल के रखा हुआ था जियो की अगर वैल्यूएशन देखें, नेट में देखते हैं जियो वैल्यूएशन, आज जियो की वैल्यूएशन 63 बिलियन डॉलर्स की, कितना 4.41 लाख करोड़। बट जरूरी नहीं है कि जियो आज प्रॉफिट्स कमा रहे होंगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम अपने सर्विसेज फ्री में दे रहे थे और फ्री में देने के बाद इन्होंने नॉमिनल चार्जेस लेने शुरू किए। अब ये जरूरी नहीं है कि जियो आज प्रॉफिट कमा रही, बट आज देखें इसकी वैल्यूएशन क्या है, 63 बिलियन डॉलर्स या 4.41 लाख करोड़ की है। इतना बड़ा कस्टमर बेस बनाया हुआ है। अब जो है, अब इन्होंने रिसेंट न्यूज क्या है कि ये लोग पैसे चार्ज करेंगे इनकमिंग कॉल्स के वगैरह या आउटगोइंग कॉल्स के पैसे चार्ज करेंगे, तो जो पैसे चार्ज होंगे उससे फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे। और इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, आगे जाके कस्टमर से किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है ये मॉडल बाद में बनाया जाएगा। पॉइंट इज दिस, जियो ने आते ही सब्सक्राइबर बेस बढ़ाया। आइडिया इतना सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ा पाया जितना जियो ने बढ़ा लिया। आई बात समझ। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना जो ऑब्जेक्टिव है वो एक छोटा एस्पेक्ट है। आइडिया इज दिस कि ब्रांड वैल्यू बनाई जाए। आज कंपनी की जियो की वैल्यू 63 बिलियन डॉलर्स की। आई बात समझ। आपने कंपनी का नाम सुना होगा ओयो। ओयो किसने लगाई थी? रितेश अग्रवाल जब 19 साल का था तब ओयो लगाई थी इसने, और ओयो ने आज तक प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं किया है। बट ओयो की वैल्यूएशन क्या है? ओयो की वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर्स की है। अगर आप 10 बिलियन डॉलर्स का मतलब क्या होता है, 1 बिलियन में 1000 मिलियन डॉलर्स है, समझ रहा है? एंड $1 की वैल्यू 70 रुपए की है। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखें जरा कि एक टोटल वैल्यू कितनी आती है इसकी। अगर कैलकुलेटर में देखें तो ओयो की वैल्यूएशन 65,000 करोड़ की है अप्रोक्सीमेटली, समझ रहा है? अभी इसने प्रॉफिट्स कमाने शुरू भी नहीं किए बट अभी भी इनकी वैल्यू 65,000 करोड़ की है। ओयो सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा है, ओयो थाईलैंड या इंडिया के बाहर की कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहा है। आइडिया इज दिस, आज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। आई बात समझ। अगर आपने ओयो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आपने अगर इसका 10% शेयर परचेज किया हुआ है तो इसका मतलब आपने जो 10% शेयर परचेज किया है आज उसकी वैल्यू क्या है, 6500 करोड़ की है। आई बात समझ। ऑल्दो ये कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही, इनका ब्रेक इवन भी जो है बड़े सालों तक नहीं आया था, अभी अगर रिसेंट आया हो तो वो चेक करना पड़ेगा, बट ज्यादा प्रॉफिट ये कंपनीज नहीं कमा रही है, बट इनकी वैल्यूएशन 65,000 करोड़ की है।
पेटीएम, पेटीएम अभी 2-3 साल पहले ये सोच रहे थे कि हम प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे, बट इसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 10 बिलियन डॉलर्स की। आप देखें जरा, पेटीएम जनवरी 18 में पेटीएम की वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर्स की। समझ लीजिए आप, देखो ओयो की वैल्यूएशन सितंबर 18 तक 10 बिलियन डॉलर्स की। अगर हम देखें ओला, ओला की वैल्यूएशन अक्टूबर 19 तक 10 बिलियन डॉलर्स की। अब ओला इन कंपनीज ने प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं किया है, फिर भी इनकी वैल्यूएशन इतने करोड़ों में है। जी हमारा कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया, जियो, ओयो, पेटीएम, ओला। ओला की वैल्यूएशन भी 10 बिलियन डॉलर्स की है, सबकी वैल्यूएशन 65,000 करोड़ की है, और इन कंपनीज ने अभी प्रॉफिट, ज्यादा टाइम नहीं हुआ प्रॉफिट कमाना शुरू किए हुए। अभी थोड़े साल पहले तक ये रो रहे होते थे कि हमारा ब्रेक इवन भी नहीं आ रहा। बात समझ आ रही? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरीके से हो, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चलो ऑब्जेक्टिव है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक नैरो ऑब्जेक्टिव है। आई बात समझ? अगर मैं बिजनेस लगाता हूं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में लार्ज स्केल में लगती है, रेवेन्यू स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, या अगर आएंगे भी तो बड़े कम वॉल्यूम में आएंगे। तो स्टार्टिंग में, तो जब इतनी सारी कॉस्ट लगा रखी है और बिजनेस का वॉल्यूम, अभी रेवेन्यू का वॉल्यूम अगर छोटा है तो स्टार्टिंग में तो लॉसेज ही होंगे ना। आई बात समझ? बट एक प्लेटफॉर्म बनाया है इतना सारा खर्चा करके, ग्रेजुअली अगर मार्केटिंग करेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ना। प्रॉफिट में फ्यूचर्स अगर इंक्रीज होगा तो फ्यूचर प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी अगर हमने जनरेट की है, आज उसकी वैल्यू क्या है, दैट्स व्हाट मैटर्स। आई बात समझ? अब बायजूस की वैल्यू देखो, बायजूस की वैल्यू आज की डेट में 5.4 बिलियन डॉलर्स की, 37,000 करोड़। अगर इनकी पूरी स्टोरी देखे जाए, इनकी फंडिंग क्या है, देखियो आपको इतना रेलेवेंट नहीं है, बट अगर मैं एक एक कंपनी की स्टोरी बताऊं कि इनकी फंडिंग स्टार्ट कैसे हुई थी, स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू क्या थी, अभी एक साल पहले इसकी वैल्यू 2.6 बिलियन डॉलर्स की थी, उससे पहले इसकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर्स की थी। 2015 में तो ये कंपनी जो है, अभी इन्होंने ऐप बनाई है अपनी, और 4 साल के अंदर उनकी वैल्यू जो है 5.4 बिलियन डॉलर्स की। इनका रेवेन्यू, बायजूस का रेवेन्यू 2019 में 1430 करोड़ का था, पिछले साल इनका रेवेन्यू 550 करोड़ का था, उससे पहले इनका रेवेन्यू अराउंड 200 करोड़ का था। अभी तो ये रेवेन्यू है, बट वैल्यूएशन देखो कितनी आ रही है, 37,000 करोड़ की। हर साल इनका रेवेन्यू डबल हो रहा है। आई बात समझ? तो कहने का मतलब यह है, अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रखते हैं, तो वो एक बड़ा छोटा ऑब्जेक्टिव है। आइडिया यह होना चाहिए कि बिजनेस का नेटवर्थ बढ़े। आप देखें शाहरुख खान की आज की नेटवर्थ 750 मिलियन डॉलर्स की, अकेले आदमी की 750 मिलियन डॉलर्स की, 5,000 करोड़ से ऊपर होती है। अब क्या इसने ये सारी वैल्यू सिर्फ मूवीज में काम करके बनाई है? ना, इनकी इन्वेस्टमेंट इस तरह से रही है कि जिन बिजनेसेस में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, उन बिजनेसेस की नेटवर्थ बढ़ी है। एक बिजनेस इसका केकेआर है, 104 मिलियन डॉलर तो उसकी वर्थ है। इनका एक और बिजनेस है किडजेनिया करके है, उसकी वैल्यू, जो रेड चिलीज है, जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, उसकी नेटवर्थ, एंड इनके पास जो प्रॉपर्टीज है दुबई में, लंदन में, इन सारी प्रॉपर्टीज की या सारे बिजनेसेस की वैल्यू बढ़ती है तो इनकी नेटवर्थ बढ़ती है। अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ 400 मिलियन डॉलर्स की। देखिए क्या है कि मेरी हॉबी है कि यह देखना कि लोगों की नेटवर्थ क्या है। तो देखो, अगर हम ये देखें कि अमिताभ बच्चन पर मूवी क्या चार्ज करता है,
10 करोड़, 15 करोड़, वे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5-7 करोड़ ही होगी वैल्यू। अगर आप इनके हिसाब से देखो तो इनकी नेटवर्थ क्या 2,400 मिलियन डॉलर्स का मतलब होता है 2,700 करोड़। अभी 2000 में अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गया था, तो अगर 10 करोड़ के हिसाब से भी देखा जाए और अगर 50 मूवीज भी देखी जाए तो 500 करोड़ आता है। तो 2,700 करोड़ की वैल्यू कहां से आई? शाहरुख खान की 5,000 करोड़ की वैल्यू कहां से आई? जिन बिजनेसेस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है उन बिजनेसेस की नेटवर्थ बढ़ती है। अरे बात समझ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, जिस बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेटवर्थ मैक्सिमाइजेशन, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अरे बात समझ। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो 2006 में मैंने गोल्ड परचेज किया था अराउंड 7,000 पर ग्राम का, पर तोला। 2009 में मैंने गोल्ड परचेज किया था 9,000 पर तोला। आज वैल्यू 45,000 से ऊपर है। आई बात समझ। इसका मतलब क्या है? उन चीजों में इन्वेस्ट करना जिनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेटवर्थ बढ़े, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए क्या है, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आज इन्वेस्ट करके कल बेच देते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1980s 90s में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी और आज उनकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब ये देखो, टेन थाउजेंड विप्रो में, विप्रो में अगर 10,000 इन्वेस्ट किया था 1980 में, आज उसकी वैल्यू 741 करोड़ की है। ये आर्टिकल जो है मैं आपको लिंक भेजूंगा इसका, अगर आपको चाहिए होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1980 में, ये लाइन पढ़ दे रहा, 1980 में 10,000 के अगर 100 शेयर्स परचेज किए होते तो 30-35 साल में आज उसकी वैल्यू 741 करोड़ होती। लाइन पढ़ेंगे जरा, आई बात समझ। तो अगर हम कंपनी से 10,000 शेयर्स, अगर मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मैंने 100 शेयर्स परचेज किए हैं, अगर मैं कंपनी को यह कहूं कि हर साल मुझे डिविडेंड दे दो, तो वो तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया। हम क्या कहेंगे कि जो पैसा आप हमें डिविडेंड दे रहे हो आप उसको अपने पास ही रखो, समझ रहे, उसको फर्दर प्रोजेक्ट्स में लगाओ ताकि हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़े और हमारी नेटवर्थ बढ़े। विप्रो पहले जो है 1980s में साबुन, हमारे हम सुना थे साबुन बेचा करते थे, या आपका जो है रिफाइंड तेल होता था इनका, वो बेचा करते थे। अजीम प्रेम जी ने इसको शिफ्ट किया आईटी सेक्टर के अंदर, तब उसकी वैल्यूएशन बढ़नी शुरू हुई। ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहां देखे कि 100 शेयर्स, 100 शेयर्स जिनकी वैल्यू 10,000 थी, आज उनकी वैल्यू 741 करोड़ कैसे आ गई? बोनस मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शेयर स्प्लिट होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखें 1980 में अगर 100 शेयर्स थे, 1981 में 1:1 का बोनस मिला, 200 शेयर्स हो गए। 1985 में फिर 1:1 का बोनस मिला तो 400 शेयर्स हो गए। 1986 में स्टॉक स्प्लिट हो गया। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है कि पहले फेस वैल्यू, अब देखें पहले फेस वैल्यू स्टार्टिंग में फेस वैल्यू लास्ट कॉलम देखें 100 का हुआ करता था, बट 1986 में फेस वैल्यू कितनी हो गई? 10। इसका मतलब एक शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले शेयर 400 थे, उसके बाद 4,000 शेयर हो गए। फिर से 1987 में 8,000, अब 1:1 का बोनस फिर से, तो 4,000 शेयर के बदले 4,000 शेयर और मिले, तो 8,000। ऐसे करते करते बोनस होते होते 1980 से अगर हम 2017 तक देखें, तो अगर आपके पास 1980 में 100 शेयर थे तो 2017 में 1 करोड़ 92 लाख शेयर है। अगर 1 रुपया भी बोनस मिलता है तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपया पर शेयर बोनस मिलता है तो इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ 92 लाख का बोनस डिविडेंड मिलेगा आपको। और क्योंकि 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यू 741 करोड़ की है। बट ये तो 2017 तक की है, उस टाइम शेयर का प्राइस 350 सम के आसपास होता था। आज विप्रो का प्राइस 250 है, फिर भी इसका मतलब 525 करोड़ के आसपास इन 10,000 शेयर्स, 10,000 रुपए की वैल्यू होती है, समझ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
शॉर्ट टर्म गोल अगर सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म रिटर्न ही मिलेंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स अगर सोचोगे तो लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेंगे। आज हर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखता है जिनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाके आगे वैल्यू ज्यादा होनी। अब ये देखें, अगर 10,000 crores 93 में इन्फो 10,000 rupees अगर 93 में इंफोसिस में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ है। आई बात समझ? तो आपकी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, आपकी जो एसेट आपने परचेज किया है उसकी नेट वर्थ बढ़नी चाहिए। यहां पर आप देखें, ये एक आर्टिकल देखें, यहां पर क्या लिखा है, 10,000 ग्रू टू 1.5 करोड़ इन केस ऑफ वेस्टलाइज डेवलपमेंट। यहां पर ये पैरा देखें जरा, इन केस ऑफ वेस्टलाइज डेवलपमेंट द मास्टर फ्रेंचाइज ऑफ मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट्स इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 इन मार्च 2009, 10 साल पहले, हैज ग्रोन टू 1.45 करोड़ एज ऑफ टुडे, डिलीवरिंग अ वुपिंग 14 50 टाइम्स का रिटर्न आ रहा है। सिमिलरली बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के अगर आपने 10,000 डाले होते मार्च 2009 में, ये नजर आ रहा है, मार्च 2009 में अगर 10,000 डाले होते बजाज फाइनेंस के अंदर तो 57 लाख की उसकी वैल्यू हो जाती। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, अच्छा और क्या है, बजाज फाइनेंस, यहां पर देखिए, अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन लीडिंग श्रिम फीड्स मैन्युफैक्चरर अवंती फीड्स, ये लास्ट नहीं देखे, अवंती फीड्स अगर 10,000 इसमें 2009 में डाले होते तो उसकी वैल्यू आज क्या होती, 33.3 लाख। तो नहीं सॉरी 10,000 नहीं, हां 10,000 की, 10,000 रुपए अगर बजाज फाइनेंस में डाले होते तो उसकी वैल्यू होती 57 लाख, 10,000 अगर अवंती फीड्स में डाले होते तो उसकी वैल्यू 10 साल के अंदर 33.3 लाख है। सिमिलरली यहां पर भी लिखा हुआ है, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, अजंता फार्मा, विनती ऑर्गेनिक्स, लाओपाला, मयूर यूनिकोटर्स, आइशर मोटर्स, पॉलीमेडिक्योर, अगर इसमें 10,000 की इन्वेस्टमेंट होती तो आज उसकी वैल्यू 8 से लेकर 33 लाख तक की है। आई बात समझ? तो पैसा सिर्फ मेहनत करके नहीं कमाया जाता, पैसा दिमाग लगा के भी कमाया जाता है, इन्वेस्टमेंट करके भी कमाया जाता है। आई बात समझ? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ हमारी भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट है, तो पैसा किस तरह से, देखिए मेहनत तो हम कर रहे हैं, मेहनत से जो हम डेली कमा रहे हैं, बट आइडिया इज दिस, आज जो पैसा कमा रहे हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करें कि हमारी नेट वर्थ बढ़े। आई बात समझ? तो आज हर कोई ऐसे शेयर्स ढूंढता है मार्केट के अंदर जिनको आज परचेज करके रख लिया जाए जिनकी फ्यूचर में मार्केट वैल्यू बढ़े। मैंने कभी यस बैंक में शेयर्स परचेज किए थे, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है सारी चीजें, तो ऑब्जेक्टिव समझ आया। देखिए क्या है कि अगर फाइनेंस फील्ड में अगर मैं आपको कहानियां सुनानी शुरू करूं कंपनीज की, मैं आपको अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि ये जो बायजूस है इनकी वैल्यू आज 5.4 बिलियन डॉलर्स कैसे हुई। 2008 में ये आइडिया कंसीव हुआ था बायजू रविंद्रन करके है कोई, एंड इनकी वाइफ, 2008 में आइडिया कंसीव किया था, 2011 में इन्होंने सोचा कि हम लार्ज स्केल कंपनी बनाए और ऐप की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, लर्निंग ऐप है इनकी, आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, 2015 में जाके इनकी ऐप बनी, इनको इन्वेस्टमेंट्स मिलनी शुरू हुई, फेसबुक का जो ओनर है जकरबर्ग और इस चैन करके हुई है उनसे इनको इनको डोनेशन इन क्या नाम है इन्वेस्टमेंट मिली है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ सिर्फ 4 साल के अंदर इनकी वैल्यूएशन 37,000 करोड़ की हो गई। आई बात समझ? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ट्यूशन ना जाना पड़े, वो घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस देखें, और इन्होंने जो है एनिमेटेड इन्होंने सारा तरीका बनाया हुआ है कि घर में बैठ के सारी क्लासेस देखें और प्रॉपरली इनको समझ आए। अभी जो है इंडिया में जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ने जाएंगे और अगर फेस टू फेस पढ़ेंगे तो ट्यूटर से पर्सनल अटेंशन भी मिल सकता है,
आई बात समझ, ये जो है डेली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो अभी प्रॉफिट्स ज्यादा कमाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पैसा ज्यादा खर्च होता है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च होता है, एम्प्लॉयज में पैसा ज्यादा खर्च होता है। आई बात समझ, अभी तो लोगों का माइंड सेट इन्होंने चेंज करना है। एडवर्टाइजमेंट कर करके ये लोगों को बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेनिफिशियल है और आपके बच्चे को पर्सनल ट्यूशन की जरूरत नहीं है। हम जो है फोन करके भी पूछेंगे कि आपने लास्ट लेक्चर क्यों नहीं देखा, या लास्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर के बीच में इतना टाइम पीरियड क्यों है। ये इनके मार्केटिंग टेक्टिक्स हैं। तो अभी जो है लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो पहले इनका रेवेन्यू, 3 साल पहले इनका रेवेन्यू 200 करोड़ का था, लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू अराउंड 550 करोड़ का था, और 19 में मार्च 19 तक इनका रेवेन्यू 1430 करोड़ का है। तो इसका मतलब रेवेन्यू ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो ग्रेजुअली अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, और अभी तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जब एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तब कितने लोग लेंगे। आई बात समझ, इनकी ऐप के जो है, खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज बायजूस की वैल्यूएशन 5.4 बिलियन डॉलर्स या 37,000 करोड़ क्यों है। वो इसलिए है कि फ्यूचर में इनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी, फ्यूचर में जो प्रॉफिट ये कमा सकते हैं, तो प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी फ्यूचर में आएगी, तो इसलिए आज इनकी वैल्यू है। आ रही बात समझ? हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेक्स्ट पेज में लेता हूं। ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आपको यह क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो पहले तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड रेजिंग ऑफ फंड्स, जो भी मैंने आपको ऊपर लिखवाया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी categorized as first profit maximization, and second wealth maximization. समझ आया? आपने बोला था दुकान लगाने का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लिख रहे हैं, साथ साथ नोट करते रहे। According to this approach, all actions that increases profits should be accepted and all actions that decreases profits should be rejected. Thus, according to profit maximization, approach,
इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंस है। डिविडेंड डिसीजन ऑफ फर्म शुड बी ओरिएंटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो भी आप एक्शन लें या जो भी आप फंक्शंस में इंडल्ज हो, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। However, this objective have some limitations. मैंने बताया, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। आईपीएल की टीम्स 10 साल से 11 साल से ऑपरेट कर रही हैं, बट हर टीम आज तक प्रॉफिट नहीं कमा पाई, बट उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? इन द एंटिसिपेशन के आगे प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का लिमिटेशन है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रखें तो ये जो सारी फ्रेंचाइजेस हैं, चेन्नई सुपर किंग और आपका जो है ये विजय माल्या की जो टीम थी, कौन सी थी? हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स। तो ये तो प्रॉफिट में कभी आए नहीं, तो इनको तो बंद करके भाग जाना चाहिए। बट इनकी नेटवर्थ बढ़ रही है। नेटवर्थ क्यों बढ़ रही है? इन द एंटिसिपेशन कि आगे प्रॉफिट कमाएंगे। दिस ऑब्जेक्टिव हैव सम लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन क्या है? इट इज वेग। वेग का मतलब क्या है? वेग का मतलब क्या है? वेग का मतलब यह है कि जब हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड यहां पर नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। और यह नेट प्रॉफिट यहां पर, इसका मतलब क्या है? यहां पर रेवेन्यू, यहां पर एक्सपेंसेस, तो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। एंड टैक्स भी पे करने के बाद जो बचता है वो नेट प्रॉफिट आता है। इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी बात हो रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन क्या है इसकी? कि ये वेग है। ये वेग क्यों है? देयर इज no proper definition of profit। समझ रहा है? कुछ लोग कहते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं टैक्स नहीं लगाना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रॉफिट मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं जो एक्चुअल अमाउंट का प्रॉफिट है मैं उसकी बात करूंगा। कुछ लोग कहते हैं अमाउंट से मतलब नहीं है, हमें रेट ऑफ प्रॉफिट से मतलब है। क्योंकि प्रॉफिट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव उसकी लिमिटेशन है। सम नोट कर रहे हैं साथ साथ, दैट इज द टर्म
प्रॉफिट मे बी सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। दैट इज द एग्जाम्पल, प्रॉफिट मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। प्रॉफिट मे बी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। इट मे बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम कहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये भी आ सकता है कि वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर ऑब्जेक्टिव देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तब भी आपने यही देना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब जिन डिसीजन से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सिर्फ उन्हीं डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि प्रॉफिट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स। दिस ऑब्जेक्टिव इग्नोर्स डिफरेंसेस इन टाइम पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। Received from investment proposals. मतलब क्या है इसका? Example, एक project A है, दूसरा project B है। Project A में first year में 50 के profit है, project B में कोई profit नहीं है। Second year में प्रोजेक्ट ए में 100 का प्रॉफिट है, प्रोजेक्ट बी में 100 करोड़ का प्रॉफिट है। थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट ए में 50 का प्रॉफिट है, प्रोजेक्ट बी में 100 का प्रॉफिट है। तो ए और बी का तीनों साल का प्रॉफिट टोटल दोनों का 200 करोड़ है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से दोनों प्रपोजल बेटर है, बट देखने में क्या लग रहा है बेटर कौन सा है? ए वाला ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्टिव बोथ प्रपोजल ए एंड बी आर एक्सेप्टेबल as profit of A and B are same but project A is better as it yields profits in earlier years। समझ आया?
तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब जो एक्शंस और डिसीजंस प्रॉफिट बढ़ाएं सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए, जो एक्शंस और डिसीजंस प्रॉफिट्स गिराएं उनको नहीं लेना चाहिए। बट इस ऑब्जेक्टिव के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला कि ये वेग है, दूसरा टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स। हाँ जी, दिस ऑब्जेक्टिव इग्नोर्स डिफरेंस इन टाइम पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। हो गया, आगे बढ़े। थर्ड थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स। स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना? दिस ऑब्जेक्टिव इग्नोर्स क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट्स। क्वालिटी एस्पेक्ट का मतलब सर्टेनिटी। दैट इज इट इग्नोर्स डिग्री ऑफ सर्टेनिटी विद विच returns are expected. More certain the expected return, कॉमा हायर विल बी द क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स। सिमिलरली द मोर अनसर्टेन the expected return, uncertain or fluctuating का मतलब variation, fluctuating the expected return lower will be the quality of returns। समझ रहा है? एग्जाम्पल देखेंगे जरा। प्रोजेक्ट ए एंड बी है। देखिए मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इसका आपको आंसर कहीं नहीं मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट ए एंड बी है। फर्स्ट ईयर का ए का रिटर्न 9 है, सेकेंड ईयर का रिटर्न 10 है एंड थर्ड ईयर का रिटर्न 11 है। बट बी का फर्स्ट ईयर का रिटर्न 0, सेकेंड ईयर का रिटर्न 10
एंड थर्ड ईयर का रिटर्न 20। अगर आप टोटल देखें तो ये 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग दोनों प्रोजेक्ट्स बेटर हैं, दोनों प्रोजेक्ट बराबर हैं, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट 30 का आ रहा है। बड़ा बताओ इन दोनों में से बेटर कौन है? ए बेटर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में 9 का रिटर्न है, सेकंड ईयर में 10। इसका मतलब वेरिएशन कम है। क्योंकि वेरिएशन कम है, इसका मतलब सर्टेनिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसमें रिस्क कम है, ए में रिस्क कम है। बट बी के अंदर हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में रिटर्न 0, सेकंड ईयर में रिटर्न 10, वेरिएशन कितना है? 10 का वेरिएशन है, और थर्ड ईयर में रिटर्न 20। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बोथ ए एंड बी आर सिमिलर एंड एक्सेप्टेबल। हाउएवर प्रोजेक्ट बी इज बेटर एंड लेस रिस्की एज वेरिएशंस इन एक्सपेक्टेड रिटर्न आर लोअर। क्योंकि बी के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में वेरिएशन ज्यादा है, इसलिए बी अनसर्टेन है। हो गया नोट? एंड फोर्थ, ये आपके सब कुछ आपके स्टडी में मेंशन है। फोर्थ स्टडी में इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया हुआ, बट इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। बाकी थ्योरी वो आपको नोट्स में मिलेगी। हमने ये थ्योरी इसलिए डिस्कस की है, ये दो क्वेश्चंस फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज एक तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये आगे के चैप्टर्स में काम आएगी। फोर्थ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज नैरो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। दैट इज इट फेल्स टू कंसिडर ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस towards workers, consumers, society as well as ethical trade practices. समझे? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखें तो हम एम्प्लॉइज को सैलरी कम देंगे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी खराब कर देंगे, एंड जैसे पेट्रोल पंप पे देखते हैं पानी मिला देते हैं, तो अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस से की तरफ हम जाएंगे और एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिस्कस हम कर चुके हैं, सिर्फ लिख लेते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट इज
ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। मैंने बोला था नेट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको मैक्सिमाइज करना है। बट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज जनरेटेड बाय डिसीजन रादर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। तो यहां पर कैश फ्लोज कंसिडर किए जाते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स मतलब पीएटी, समझ रहा है? फ्यूचर में जो बिजनेस ज्यादा कैश जनरेट करेगा उसकी आज की वैल्यू ज्यादा होगी। इट इज बेटर या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होल्ड्स दैट प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज और मैक्सिमाइज मार्केट वैल्यू। ऑफ बिजनेस और शेयर होल्डर्स नेट वर्थ बढ़ानी है। दिस ऑब्जेक्टिव इज बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? एज पहला इट टेक्स कैश फ्लोज एज डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल्स भी जाती हैं। अगर मेरी सारी की सारी सेल्स क्रेडिट होती हैं, इसका मतलब मेरा सारा का सारा प्रॉफिट भी क्रेडिट में है। बट कैश फ्लोज क्या होते हैं? अगर हम कह रहे हैं कि कैश प्रॉफिट है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट हाथ में आया हुआ है। इसलिए प्रॉफिट पर क्या नाम है, अकाउंटिंग प्रॉफिट से बेटर क्राइटेरिया कैश प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कंसिडर करता है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैश प्रॉफिट्स कंसिडर करता है, तो इसलिए बेटर है। सेकेंड इट कंसिडर्स
टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड थर्ड इट कंसिडर्स क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स. समझ रहा है? यहां पर हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो जाता है. हमने थोड़ा टाइम लगाया है इसके ऊपर. हाँ जी, ओके. हमने थोड़ा टाइम लगाया है इसके ऊपर, बट ये जो टाइम हमने लगाया है ये आगे हमें हेल्प करेगा. नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे एंड जो हमने इन दो क्लासेस के अंदर किया है इसको हम यूज करेंगे. समझ आया? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस यूटिलाइजेशन एंड रेजिंग ऑफ एडिशनल फंड्स. रेजिंग ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. प्रोक्योरमेंट का मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन. तीनों के बारे में देखा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. समझ आया? इसको आप नोट करते रहेंगे. ओके, थैंक यू.